चलिए सर, करें स्टार्ट जी। टुडे लेक्चर नंबर 3। फटाफट कॉपीज ओपन कर लीजिए। पहले थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा आपके साथ, और एक होमवर्क दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 3। होप सो हो गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था। और जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लगाया था वो लगा लिया होगा ड्यू टू MST, कुछ बच्चों का ऑफ चल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको जैसे बताया था कि हम नॉर्मली सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या चल रहा है, बट कोशिश करेंगे कि आज चैप्टर पैक हो जाए, क्योंकि उसमें एक ही चीज छोटी सी पेंडिंग है। जो हमने 3 टेस्ट स्टार्ट किए थे, तो पहले तो चलो आराम से चलते हैं। PDF ओपन कर लीजिए, जो एक पेज था हमारे सामने पहले, वहीं से लेते हुए हमेशा हमारा एक स्टाइल रहेगा जी पढ़ने का। जितना अब तक हमने कर लिया उसके बारे में लिटिल बिट डिस्कशन आपके साथ रहेगी। तो पहला पॉइंट, फटाफट पेज ओपन करेंगे। हमने चैप्टर का नाम क्या स्टार्ट किया बच्चे? बाय बैक ऑफ शेयर्स। सिंपल सी बात, शेयर्स का मतलब किससे बात हो रही है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं हो रही सर, पता होना चाहिए आपको। प्रेफरेंस शेयर की क्या होती है? रिडेम्पशन। ये बहुत बेसिक चीज है। मैं किसी को पूछूं, हाँ भी बाय बैक ऑफ शेयर पढ़ लिया? हाँ जी पढ़ लिया। मैं प्रेफरेंस शेयर बाय बैक करे? अलग कहता है, हाँ जी करे होंगे, शेयर्स है। यहाँ तुझे इतना बेसिक पता होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर की क्या होती है, रिडेम्पशन। अगर बाय बैक की बात चल रही है तो किसकी बात हो रही है? इक्विटी शेयर। बेसिक, ज्यादा हमने इंग्लिश के चक्करों में नहीं पढ़े। मेन मेन बात करी, जो मेरा मेन मोटिव रहता है, एज अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं है, कि हम लर्न करें हाथ रख के, हाँ जी कैसे होता है बाय बैक, क्या आर्टिकल्स की कंडीशन है। तो मैंने बताया था उसके बारे में, मैं कम बोलूंगा, धीरे से ज्यादा कहेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट, कौन सा? 2013। आप बकायदा जब वहां पढ़ेंगे, बल्कि आप आगे आगे बोलेंगे धीरे सर के, कि हाँ सर ऐसे था, सर ने बताया था कि CRR होता है, फ्रेश सिक्योरिटी होती है, कंपनी एज अ इन्वेस्टमेंट खुद अपने शेयर लेकर नहीं रख सकती। उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है कि जैसे आर्टिकल्स में क्या होनी चाहिए। पहले तो पावर, कितने परसेंट बायबैक कर सकते हैं? 25%, इससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। हाँ, इसके रिलेटेड कोई और भी कंडीशंस हैं, अपन वहां साइलेंट हो जाते हैं, अपना काम अकाउंटिंग था, अकाउंटिंग तक निर्भर रहेंगे, लॉ की बातें फिर लॉ वाला बंदा करेंगे। सिंपल हो गया बात, अब मेरी बात सुनेंगे आगे। तो 3 पॉइंट पहले पहरे में थे, सभी सोच के बताएंगे। पहला, कंपनी अपने ही शेयर्स क्या करती है? बायबैक। अल्टीमेट मोटिव क्या होता है? कैंसलेशन। सिंगल वर्ड बोला करो, क्या होता है? कैंसलेशन। और उससे इंपैक्ट क्या होगा? कॉमन सेंस है, इससे कैपिटल कम हो जाएगी। बेसिक कोई बच्चा पूछ लेता है, जी बायबैक क्यों होता है? ये तो बड़ा अजीब बात है, कंपनी शेयर इश्यू करती है, कुछ सालों बाद कहती है मुझे मेरे शेयर वापस कर दो। बैक है जी, ऐसा नहीं होता। जिसको जितना आपको आसान लग रहा है सुनने में कि हर कंपनी ऐसे करती है, नहीं करती भाई। सो मेनी रीजंस आर देयर। मेन रीजन बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर, मेन रीजन बताया था डेट इक्विटी रेशियो, मेन रीजन हमारे पास क्या होता है? प्रमोटर होल्डिंग, जो जेन्युइन है। डिमांड सप्लाई इज अ डिफरेंट थिंग, और अलग चीज हो गई, बट फिर भी दिमाग में रहे। सर तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस स्टडीज आपने पढ़ा है, +2 में अकाउंटिंग रेशियोस चैप्टर आपने पढ़ा है, कैपिटल इंप्लॉयड वर्ड आपने पढ़ा है, वहां तो फॉर्मूला ही क्या होता था? डेट प्लस इक्विटी, बचपन से पढ़ा 25। तो अब उसको जुटलाया जाए वो तो बिल्कुल गलत लगता है। मतलब पॉइंट ये है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड रहे कि क्यों बायबैक किया जा रहा है। सिर्फ एक मोटिव नहीं है, डिमांड सप्लाई, सो मेनी रीजंस आर देयर। चलो फिर बात आई, कंपनी अपने ही शेयर अपने पास नहीं रख सकती एज अ इन्वेस्टमेंट। फिर एक कॉमन सेंस की बात आई, आपके पास सफिशियंट क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, एक ही चीज है सर। अगर नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? दो बातें, मैं दो बोल रहा हूं आज। एक बात कौन सी थी सर? कोई ना कोई एसेट, मैं नहीं कहूंगा, क्वेश्चन कहेगी, मैं नहीं सोच रहा सर मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट पड़ी है, बेच दूं तो मैं क्या पता है कितने की बिकेगी। हम अपनी तरफ से कोई ऐसी फालतू अजम्पशन नहीं लेंगे। एक अजम्पशन ले सकते हैं, अगर पैसा कम पड़ गया, एसेट के बारे में ना बोला, मैं मान भी नहीं सकता, वी हैव टू अरेंज अ बैंक लोन, याद आ गया होगा। हाँ, हमें सफिशियंट बैंक से लोन लेने में कोई शर्म नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हाँ, कुछ बच्चे बैंक लोन की जगह बैंक ओडी बोल देते हैं, याद आ गया होगा, ओवरड्राफ्ट ऑन सेम थिंग। बैंक लोन बोलता हूं तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलूंगा तो वो करंट लाइबिलिटी। अंडर द हेड कौन सा? शॉर्ट टर्म बोरिंग, सुना होगा। चलो अच्छी बात है, तो मोटी मोटी बात हुई। फिर बात आई सर इसमें करना क्या है, ऐसे ही किसी को चैप्टर सुनाना पड़े तो मैं लिखवाता कम हूं कि बच्चा ऑरली तैयार रहे किसी से भी बात करने के लिए। तो यार ऐसे सुन, बायबैक में है क्या? चार बातें नहीं है बायबैक में। अब दो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बच्चे? जर्नल, दूसरा क्या? बैलेंस शीट। सबसे आसान काम बैलेंस शीट, कारण क्यों? कॉपी पेस्ट, ये तो आता है सिंपल। बैलेंस शीट हमें दी होगी, शायद बनाया भी होगा अपने घर से। ओके, तो बैलेंस शीट हमें दी होगी, यू हैव टू कॉपी इट। सर अगर कंप्लीट बैलेंस शीट ना दी होगी तुम भी कंप्लीट क्यों बनाओगे? तुम भी जस्ट क्या बना क्या होगे? एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट, अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ओके सर, जर्नल में कितनी एंट्री? देखो क्रैमिंग तो नहीं करा सकता, हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर?
आप मुझे सोच के बताओ, ओपे बोलते हैं, पहली एंट्री किसकी होनी चाहिए? ड्यू 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 मतलब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल का, शेयर होल्डर्स का पैसा देना है। नंबर टू पेमेंट, नंबर थ्री अगर एसपी को क्या करते हो, राइट ऑफ अभी के लिए। चलो सर अगर मैं एसपी की एंट्री अलग से ना करूं, उसी के अंदर कर दूं, फिर क्या कर रहा हूं, वो तो आपका प्लस माइनस है, मेरे एंड पे नहीं है। मैं आप सबको एक ही चीज सिखाऊंगा जो स्टैंडर्डाइज है, समझते हैं? स्टैंडर्डाइज होता है सर, पहला वर्ड ट्रेडिंग में याद है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेजेस, तीसरा मैं लिख दो यार, वेजेस कह रहे सर उसने कह रहे लिख दिया, तो फ्यूल लिख दे, तो फैक्ट्री लिख दे। मैंने यहां कुछ नहीं कहा, बट मेरा एक स्टैंडर्ड रहेगा एज अ होल पूरी क्लास को लेके कि हम सब अलग अलग रास्ते ना चले। सर वो तो एसपी लिख रहा है तो उसका क्वेश्चन जल्दी हो गया, नंबर सबके बराबर है, कोई गलती नहीं करता। आईसीए भी कभी कभार एंट्री कर देता है, कभी कभार नहीं करता, डरना नहीं है, बट हम कहते हैं करके जाओ, अच्छा लगता है। क्या लॉस ऑन बायबैक, या क्या बोला था हमने, प्रीमियम ऑन बायबैक, अच्छा वर्ड है। टू वो इक्विटी शेयर होल्डर, जानते हो जब इस लॉस को राइट ऑफ करोगे तो कॉमन सेंस है, किससे करेंगे? पहली प्रायोरिटी एसपी। सर कल आप कुछ कह रहे थे लिस्टर्ड अनलिस्टर्ड एसपी यूज नहीं होगा, तो मैं दोबारा उस बात को थोड़ा मोल्ड कर देता हूं, अभी के लिए वेट कर देता हूं, कारण वो बात दोबारा रिपीट होगी। एक्चुअली पूरे चैप्टर में तीन बातें रिपीट होती हैं, मैं बार बार वो लिखवा दूंगा बाद में, लास्ट में जब भी कोई बच्चा चैप्टर पढ़ेगा, जब मुझे डाउट आता है सिर्फ उन तीन का डाउट आता है। वो तीन कौन सी है मैं आपको बता दूंगा। पहला एसपी, सर वो क्या चर्चा है, बताइए, ऐसे ही पूछता बच्चा, ये सब क्या चर्चा थी वो एसपी को लेके, 52 को लेके, लिस्टेड अनलिस्टेड, या आपने एक वर्ड और बोला था जिन कंपनीज पे सेक्शन 133 लगता है, सर अब ये क्या आ गया, नहीं बड़ा ले आए आप, 133 क्या कहता है, अब ये थोड़ा सा सुन लो, लॉ में धीरे सर पढ़ाएंगे, मैं तो थोड़ा सा बताऊंगा। जो कंपनीज पे एएस अप्लाई होते हैं, अब एएस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर ये कैसे पता चलेगा एएस अप्लाई होता है, मतलब बात देख रहे हो कहां की कहां पहुंच जाएगी, बट अभी तक अकाउंट्स में हमें लॉ थोड़ा घुसाना है यार, तो लॉ को घुसा रहे हो, हाँ अकाउंट्स को एक तरफ रखो, लॉ को एक तरफ रखो। अकाउंट सिंपल ये कहता है जी 133, 133 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर उनके अकॉर्डिंग आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं एंड एंड अब लिस्टेड कंपनी है, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं लिस्टेड कंपनी की ही बुक्स बनती हैं, किसके अकॉर्डिंग, 133 के अकॉर्डिंग, क्यों हम चिंता कर रहे हैं? ओके तो क्या पॉइंट है, एक छोटू सा लाइन बोल देता हूं, समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया, वरना लिखवाया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। वो क्या पॉइंट है, आपने रिडम्पशन पढ़ा जी, डिवेंचर्स का भी पढ़ा, प्रेफरेंस शेयर का भी पढ़ा, फाउंडेशन में कुछ बच्चों ने बीकॉम में पढ़ा होगा, या मैं बोल देता हूं कल परसों एंट्री करी, प्रेफरेंस शेयर क्या प्रीमियम पे रिडीम हो सकते हैं? बिल्कुल होते सर, प्रीमियम में होते ही सर, प्रीमियम पे है, पार पे तो दुनिया करती है, 99% उल्टा प्रीमियम पे होते हैं। अब उनको जो प्रीमियम देना है वो कहां से दिया जाएगा सर? एसपी, एसपी का पहला धर्म क्या है, प्रीमियम देने के लिए, बोनस के लिए, बायबैक के लिए, लॉसेस के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, याद आ गया लॉ में पड़ा हुआ है, अच्छा वो उसका यूजेस है। फिर आप क्या बोल रहे हो कि एसपी यूज नहीं होगा, मैं कह यार छोटा सा लॉ है, लिस्टेड कंपनीज, दोबारा लिस्टेड कंपनीज जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके अकॉर्डिंग बनते हैं, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके सर वो क्या कहता है, जो ए एस अप्लाई करते हैं वो एसपी यूज नहीं कर सकते, क्या वर्ड है, वो एसपी यूज नहीं कर सकते, क्या देने के लिए, प्रीमियम ऑन किस पे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मैंने क्या वर्ड बोला, प्रेफरेंस शेयर, नहीं मतलब सर अगर लिस्टेड कंपनी इक्विटी बायबैक करे और इक्विटी भी प्रीमियम पे होती है तो वो कर सकते हैं, हाँ उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बंदे को दिक्कत है, वो कौन है, प्रेफरेंस शेयर। तो बच्चा की बार सोचता है हम तो बायबैक पढ़ रहे हैं, हमें प्रेफरेंस शेयर से क्या लेना, भूल गया कल क्वेश्चन में आया नहीं था, उसने प्रेफरेंस शेयर भी क्या कराए थे, रिडीम, और इक्विटी भी क्या कराई थी, बायबैक। अगर तू गलती से प्रीमियम यूज कर देगा तेरी एंट्री क्या हो जाएगी, गलत, और ऊपर लिखा हुआ था कंपनी क्या है, लिस्टेड, पर ज्यादातर क्या लिखाता है, अनलिस्टेड, तो देखा भी होगा आपने कल क्वेश्चन में, वहां पे भी क्या था, नॉन लिस्टेड, अनलिस्टेड, नॉन लिस्टेड, एक ही बात है, मतलब दोबारा बोल दो, क्या अनलिस्टेड कंपनी या नॉन लिस्टेड कंपनी एसपी यूज कर सकती है? जैसे मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, चाहे प्रेफरेंस शेयर पे, चाहे इक्विटी पे, इक्विटी पे तो वैसे भी इशू नहीं था। अगला डाउट, एक पॉइंट याद है, सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिंपल बात करते हैं इस चैप्टर की, जितने रुपए के इक्विटी शेयर्स, रुपए तो नहीं कहूंगा वैसे, जितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर बायबैक करोगे, मान लो एग्जाम्पल लेता हूं 10,000, 10,000 शेयर है, फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए, 10,000 × 10 क्या होता है, 1 लाख, कितने का सीआरआर बनना चाहिए, 1 लाख, किसी को डाउट, किसी को डाउट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन,
अगर आप कुछ रुपए की फेस वैल्यू के, किसके फेस वैल्यू के प्रश क्या इश्यू कर देते हो, शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस या डिवेंचर, उतने रुपए से उस फेस वैल्यू से सीआरआर नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, अभी सीआरआर कितने का बोल रहे थे, 1 लाख का। मान लो 40,000 रुपए के आपने फ्रेश नए प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिया, फेस वैल्यू, वैसे प्रीमियम पे कर सकते हो, फेस वैल्यू 40,000 के। अभी कितने का सीआरआर बोल रहे थे, अभी 40,000 के फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे, अब सीआरआर कितने का बनना चाहिए? 1 मिनट से पहले हमने चेंज कर दिया। आप कहते क्यों सर, अभी तो आपने बोला एक्सेप्शन है, फ्रेश है, वो है। अब पॉइंट क्या है, आईसीआई का कई बार डाउट आ जाता है, ये दूसरा डाउट है मेरा। पहला डाउट कौन सा था, एसपी, दूसरा डाउट कौन सा है, सिक्योरिटी। मेरा नहीं है मतलब आईसीआई, मेरा तो क्लियर है। आईसीआई का क्या होता है, वो असम्पशन लिख जाते हैं, लास्ट में कहोगे मेरा आंसर चेंज हो गया, होने ही होने, कहीं सीआरआर 1 लाख का बनाना, कहीं 60 का। आईसीआई क्या कहता है, आपने करे होंगे प्रेफरेंस शेयर इशू, अच्छी बात है, उससे क्या फायदा हुआ, एक तो पैसा आया, इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू एसपी अगर प्रीमियम पे है, दूसरा सीआरआर कम हो गया फेस वैल्यू से 40 से। आपको क्या डाउट है, मैं क्या, मेरा डाउट ये है, आईसीआई ये कहता है जो आपने ये अबव प्रेफरेंस शेयर इशू करें इनको हम लोग अपनी भाषा में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानते। मैं क्या, अब ये क्या बला है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज तो शेयर ही होता है, सिक्योरिटी तो शेयर डिबेंचर वही होता है, स्पेसिफाई का मतलब जिसको आईसीआई ने मंजूरी नहीं दी फॉर द रिडक्शन ऑफ सीआरआर। मैं कहा अभी तो सबने पढ़ाया, हमने तो कराए, फिर तो कैसे पता चलेगा कि स्पेसिफाइड मानते हैं कि नहीं मानते। तो वहां आईसीआई क्या कहता है, सम टाइम ऐसे लिखा होता है फॉर द पर्पस ऑफ, जैसे कल परसों आया था, फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी क्या इशू करे प्रेफरेंस शेयर्स, या आपने कल एक क्वेश्चन किया था आई थिंक सो इलस्ट्रेशन टू, जिसमें लिखा था 2 मंथ्स बैक, याद आ गया। अब ऐसा बच्चा क्यों गलत करेगा मुझे बताइए, साफ शब्दों में लिख दिया 2 महीने पहले हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे बैक फॉर द पर्पस ऑफ बाय बैक। अब इससे क्या ज्यादा चाहते हो सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है सिर्फ पैसे के लिए करे होते, फिर वो लिखता, क्वेश्चन है मेरे पास, दिमाग क्वेश्चन है, स्कैनर में है, वहां लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस, क्या वर्ड है, ये तुमने भी साथी होगी, फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंस, पैसे के लिए प्रेफरेंस शेयर करे, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ लाइक दैट। कोई डाउट किसी को, बात समझ आती है, तो इस चीज पे दूसरा डाउट है मेरा, किस बात को लेके, दोबारा पहला डाउट एसपी का क्या है क्या नहीं, फिर भी कोशिश करी जितना हो सके, रेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा, रीड कराया जाएगा, देन ओके हो जाएगा। नंबर टू, आपको मुझसे पहले बताना चाहिए ये सिक्योरिटी को लेके क्या मानते हो नहीं मानते, इक्विटी शेयर को तो मानते ही मानते, इक्विटी शेयर को तो अगर आप फ्रेश इश्यू करोगे मानते ही मानते हैं, बस प्रेफरेंस और डिबेंचर का डाउट है, पर बता दिया, डाउट पेपर में नहीं आता, आपको पेपर भी दिखा दूंगा, आप खुद कहेंगे यार बात तो सही है सर की, आज तक कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट मैंने आपको भी कहा था पेपर में नहीं आता जिसपे आपको डाउट रहे मैं कैसे करके हूं, ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं, अब अजम्पशन लिखा हूं, मैं क्या, आएगा ही नहीं, टेंशन ना लो, आएगा ही नहीं। तीसरा डाउट आज क्लियर हो जाएगा जो 3 टेस्ट हमने करने, तो पहले मेरे साथ साथ सभी लोग एक बार एंट्री बोले, हम लोग दोबारा से पहली एंट्री क्या थी, सभी बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, याद है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने से, फेस वैल्यू नंबर आपको दिए होते हैं इनटू फेस वैल्यू, पहचान लेना, क्रैमिंग मत करना, कई बार फेस वैल्यू चेंज कर देते, ज्यादातर क्या रहती है 10 रुपए याद हो जाता है, कई बार 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, इंटू 100, 50, 30, 20 हो जाए, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट याद है। टू, आगे बोलिए, इक्विटी शेयर होल्डर, पहली एंट्री ड्यू करने की, हाँ हमने शेयर होल्डर का पैसा देना है एग्रीड अमाउंट, याद आ गया। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, खत्म कर देते हैं कि तू तो चल घर पे, हाँ कई बार वो टू बैंक के ना ब्रैकेट में लिख देता है करंट एसेट्स, तो घबराना मत, आप जानती हो बैंक कौन सी एसेट है, ऐसे मजे लेते, वो ऐसे मजे क्यों ले रहा है, बैलेंस शीट में एक्चुअली बैंक वर्ड लिखा ही नहीं, बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है, करंट एसेट 1000 लाख करोड़ जो भी है, तो बच्चा कहता है करंट एसेट, ज्यादा दिमाग चल जाता है सर, करंट एसेट में तो स्टॉक भी आता है, करंट एसेट में तो डेटर भी आता है, आप कैसे कह लोगे बैंक, मगर ये बता तू पढ़ कर रहा है, कहते भाई बहन मैं तुझे चाहिए क्या, स्टॉक चाहिए तुझे, डेटर चाहिए तुझे, कहता पैसे, तो पहली एग्जम्पशन क्या मानेगा, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है मतलब ऐसी चीजों पे कभी डाउट आना ही नहीं चाहिए, हो जाता है कई बार, बट मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं काफी बातें बताने। अगली एंट्री ये तो हो गई हमारी पेमेंट की,
तीसरी सीआरआर बनाते हैं। सीआरआर कॉमन सेंस लीजिए, बनाना है, क्रिएट करना है, रिजर्व है। रिजर्व की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। पर बनता ही कहां से बेचारा? फ्री से। फ्री का मतलब एवरी रिजर्व इज फ्री इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मेन मेन बता दो तो सर, तीन नाम, तीन नाम। जनरल रिजर्व, इसका और नाम रेवेन्यू रिजर्व, वेरी गुड। दूसरा एसपीएल, दूसरा नाम सरप्लस, वेरी गुड। पीएनएल सरप्लस, एक ही बात है। अगर मान लो सिंपल एसपीएल लिखा हुआ है, कौन सा बैलेंस मानेंगे, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, शुक्र, याद है ना, ठीक है ना। इफ पी एंड एल इज ओनली मेंशन तो ऑलवेज कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट, नेवर बी डेबिट। ओके, तीसरा वर्ड है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। रास्ते में कोई और भी आएगा, आ जाओ, मैं आपको साथ में लेके चलूं। ओके चलो, ये भी पैक हो गया। फोर्थ एंट्री प्रीमियम को राइट ऑफ कर देते। पहला, अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है आज था, तो आप कहेंगे फिर धक्का धुला कर सकते हैं, फिर जर्नल जब बैठा है, एसपीएल बैठा है, और सो मेनी रिजर्व्स आर देयर, राइट ऑफ द लॉसेस। पर पहले हम एसपी ही क्यों जा रहे थे भैया? यानी स्पेसिफिक एंड फ्री। जब एसपी खुद चिल्ला रहा है कि भाई मैं बैठा हूं प्रीमियम देने के लिए, तो मुझे छोड़ के एसपीएल के पास जा रहा है या जर्नल के पास जा रहा है? दिमाग खराब, मैं खुद बोल तो रहा हूं। मैं कहा ओके, समझ गया। तो एसपी डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, कितनी एंट्री होंगी? चार। पांचवी एंट्री कौन सी कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट बेचने की, बेच देते। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू पीएनएल या सरप्लस। सर ये नहीं बोल सकते लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? बोल दोगे आपका काम बढ़ेगा, एक एंट्री फालतू करनी पड़ेगी। किसकी? उस प्रॉफिट को, बिल्कुल सही, ट्रांसफर। उस लॉस को क्या करना है? राइट ऑफ। हो क्या? पांच एंट्री, दो एंट्री मेरी थी फालतू की। कौन सी? बोनस। आज लेके आऊंगा आपके सामने, आप करेंगे क्वेश्चन में सामने। बोनस शेयर आता सर हमें पढ़ा हुआ है हमने। चलो फिर बोल लेते हैं, पहली चीज क्या यूज करोगे बोनस के लिए? सीआरआर। सीआरआर तो बनता ही सिर्फ एक काम के लिए, बोनस के लिए। तो सीआरआर डेबिट जितने का है सर, अगर कम पड़ गया चल एसपी हुआ जा, एसपी भी बोनस के लिए था, एसपी डेबिट। फिर सर तेरी मर्जी, आपकी मर्जी। जर्नलिज्म सर फिर भी कोई आपकी इच्छा हो, देखो मैं तो जर्नलिज्म ही कहूंगा। लास्ट, सबसे लास्ट में किस पे जाता हूँ? वो भी सारा कुछ चलते ही पीएनएल से। जर्नलिज्म खुद किससे बनता है? पीएनएल से। तो हम कुछ चिंता कर रहे हैं, तो जर्नलिज्म डेबिट एसपीएल डेबिट टू बोनस शेयर। अच्छा बोलना है तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगली एंट्री, लास्ट एंट्री, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। क्या किसी को डाउट? डन हो गया। अब पीडीएफ में आओ, हमने एक चीज पढ़ी थी, तीन टेस्ट हैं, बट मैंने कहा था वो अपने आप मत लगाना, जब मैं कहूंगा तब तब लगाना। फटाफट रीड करो पहला टेस्ट क्या था, और ओरली बोलेंगे मैंने रब नहीं किया, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मैंने नोटिंग लिखी पड़ी है। फटाफट चेक करिए, फटाफट चेक करिए, फटाफट। पहला पॉइंट क्या था? सभी लोग ओरली बोलेंगे सर तीन टेस्ट है जी। मैं दोबारा बोल दूं, इन तीन टेस्ट में आपने कौन सा नंबर चूज करना है? विच एवर इज लोअर हो जाएगा। मतलब पहले तो लगाना नहीं है टेस्ट, कब लगाना है? अब तक लगाया तीन क्वेश्चन करें, मांगा ही नहीं। मैं क्यों पंगा ले रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, और विद इन द लिमिट है कि नहीं है? अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा चेक दैट वेदर द बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट, अब फिर मेरे पे क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे क्वेश्चन भी करना है और चेक भी करके बताना है कि हाँ जो हम बायबैक कर रहे हैं वो ऑलरेडी विद इन द लिमिट है। अब सुनिए पहला पॉइंट क्या है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। बड़ा प्यारा टेस्ट है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपके साथ। शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आप ये बताओ जिस दिन बायबैक करने का प्लान है, कितने शेयर, मैं नंबर नहीं पूछा, अमाउंट नहीं पूछा, कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है? शायद मैंने एग्जांपल ली थी, आई थिंक सो 1 लाख, चेक करिए 1 लाख। तुमने कहा जी 1 लाख शेयर, सर कौन से, इक्विटी या प्रेफरेंस में, तू कौन सा कर रहा है? तो कॉमन सेंस इज द इक्विटी, बट डाउट आना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों डाउट आ गया आपको? तो 1 लाख चेक करिए, इक्विटी शेयर थे इनटू, मैंने क्या टाइप किया, 25%। सबका आंसर क्लियर था, इट्स अ 25,000 शेयर्स। पहला टेस्ट कहता है मेरे अकॉर्डिंगली आप 25,000 शेयर क्या कर सकते हो बेफिक्र होके बायबैक 1 लाख के पीछे। ओके मैं कहा तेरी सौ सुननी है, तीन टेस्ट है, तीनों की सुननी पड़ेगी, घर में सबकी राय लेनी पड़ेगी। दूसरे टेस्ट का नाम पढ़ो क्या है? रिसोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? मैं रिसोर्स का मतलब बोलता हूं जरिया। बायबैक करने जा रहे हो, पैसे हैं? मैं कहा पैसे मतलब बैंक में, रिजर्व में, सीआरआर नहीं बनेगा, सारी कंडीशन ही पूरी करनी पड़ेगी। तो ये टेस्ट क्या कहता है? टोटल पीयूसी। टोटल क्या? पीयूसी, फुल फॉर्म, पेड अप कैपिटल प्लस एफआर। तोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ते हैं। सर आपने वहां तो हमें मना कर दिया, शेयर आउटस्टैंडिंग में आपने क्या कहा? प्रेफरेंस शेयर नहीं आएंगे। ओके हमने माना आपकी बात,
1 लाख इक्विटी थे इंटू 25%, किसको नहीं आता कैल्डर अलाउड है 25,000। दूसरे टेस्ट में आप कह रहे हैं टोटल पीयूसी, बात हजम नहीं हो रही, मतलब प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, पर कोशिश फिर वही आती है हमारे सिलेबस में, जल्दी जल्दी जहां पे आप टेस्ट लगाओगे आप नोट करना वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा ही, तो बच्चे का डाउट आउट रह जाता है। बट मेरा काम आपको बताना है, ये थोड़ा बताऊंगा आएगा ही नहीं, ये क्या मतलब है, अगर पेपर में आ गया तो क्या करना है। बट एक क्वेश्चन है स्कैंडल में हमारे पास, तब मैं करवाऊंगा। तो दोबारा से इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है प्लस फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में कितने नाम बोले थे आपने, तीन, दोबारा बोलेंगे, जन रिजर्व, पीएनएल, डिविडेंड, इक्विटी रिजर्व। एक रिजर्व मेरे कहने पे इस टेस्ट को करने के लिए बुक्स ने कहा ऐड कर लेना, वैसे वो फ्री नहीं है, वैसे वो फ्री नहीं है, नाम इज द एसपी, एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। आप कहते कोई बात है तो ले आओ यार, कोई चक्कर नहीं, बस चार रिजर्व, दोबारा से चार, कौन से, जनरल, पीएनएल, इक्वलाइजेशन, डिविडेंड एंड एसपी, मेरी रिक्वेस्ट पे। आप कहते कोई नहीं, आप कह रहे हो मैं कर लेता हूं, ओके। मैंने एग्जाम्पल ली, मान लो वही 1 लाख शेयर मान लेते हैं, इंटू 10, अब मुझे अमाउंट चाहिए, अब मुझे अमाउंट चाहिए, 1 लाख इंटू 10 कितना होता है जी, 10 लाख प्लस फ्री रिजर्व, शायद मैंने टोटलिटी बोल दिए थे 2 लाख, शायद चेक करिएगा आप, बच्चा का तो ये कैसे आपको पता, ओ भैया अलग अलग होंगे, 50,000 का पीएनएल होगा, 60,000 का जनरल रिजर्व होगा, 20,000 का एसपी होगा, बाकी डिविडेंड होगा, होंगे ना पॉइंट सर, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व होगा, मैं टोटल 12 लाख बन गया। टाइप कीजिए कैलकुलेटर पे 12 लाख का 25%, जल्दी देखिए, फिर मैं अगली तैयारी शुरू करूंगा, जल्दी जाइए, 3 लाख। फिर मैंने उसके बाद क्या बताया था सोच के बताइए, डिवाइड बाय, ये आपको देखो याद करना पड़ेगा, डिवाइड बाय किससे कराया था, बीबीपी मतलब बाय बैक प्राइस, मेरा वर्ड है शॉर्ट फॉर्म बोलता हूं मैं, डिवाइड बाय बाय बैक प्राइस। अब सभी ने सॉल्व किया होगा तो मैं यहाँ पे दिखा दूं, मैंने रब नहीं किया था, मैंने सेल ऐसी कर दिया था, ये थोड़ा सा चलो जैसा भी दिख रहा है आपको, राइटिंग भी ऐसी भी है, तो 12 लाख का 25% कितना होता है भाई मेरे, 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय बीबीपी, वी अज्यूम दैट, 10 का शेयर है, बायबैक प्राइस क्या है 20 रुपए, तो बायबैक कितना हो जाएगा 20, ठीक हो गया, तो 3 लाख डिवाइड बाय 20 हमने किया होगा कितना आ रहा है 15। ये मेरा पीयूष दूसरा टेस्ट आ गया, अब यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बड़े आराम से, टेक योर टाइम, 2 मिनट लीजिए, फिर मेरा लास्ट टॉपिक है, फिर मैं खत्म करना है इसको, क्योंकि लास्ट टेस्ट रह गया, इसके बाद चैप्टर ही फिनिश है, फिर तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन रह गए, चलते जाएंगे करते जाएंगे रुकते जाएंगे चलता जाएगा। अब बस इस टेस्ट की बात करूंगा, पहले देख लो कुछ भी कुछ भी कुछ भी, एनी डाउट, कुछ भी सीली वगैरह कुछ पूछना है सर, ये कहाँ गया वो कहाँ गया फलाना फलाना फलाना, फिर मैं बस लास्ट बात करूंगा आपके साथ, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया आपके सामने, यू कैन सी दैट, ये एंट्रियां उंट्रियां सब मेरा क्लियर है, सब क्लियर है, वेरी ओके, तो मैंने पेज ही एक लिखवाया था फालतू लोगों ने, और तीन चीजों पर मेरी चर्चा रहेगी, दोबारा बता दिया, दो बता दिए कौन कौन से, एक एसपी, एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मैं लिखवा दूंगा हेडिंग कि आपको याद रहेगी, इन दो तीन बातों का ध्यान रखना बस, अदरवाइज चैप्टर ओके। और 7 नंबर का आया था आज का लेक्चर कर लो, अगले लेक्चर में पेपर के क्वेश्चन दिखा दूंगा, देख रहे आप खुद को गए यार ये आया था, मतलब हम अभी 3 लेक्चर में सीख रहे हैं, जहाँ आप जानती हैं वैसे 2 लेक्चर का काम आ रहा है, कोई फर्स्ट लेक्चर हमने आधा घंटा पढ़े थे, 40 मिनट बस बेसिक इंट्रो थी, दूसरे लेक्चर मेन हमने लगाया, आज का लेक्चर मेन हम आपको देखेंगे चैप्टर ऐसे कवर हो, अब इसको मैं ऑनलाइन सुनने लग जाऊँ 5 लेक्चर 4 लेक्चर 3 3 घंटे के, मतलब कहता है कहीं 15 घंटे लगा रहे हो, 5 घंटे में जोड़ दिया है ही काम, इतना काम काम है ही नहीं, कोई ज्यादा खींची जाए लड़ाई जाए, मैं लॉ पढ़ाने लग जाऊं, तो कौन सा टीचर है लॉ का, हाँ जी पढ़ो जी आर्टिकल क्या कहता है, मुझे काम ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई अपन यहीं पे रुक गए, यहां तक कोई डाउट है पूछो वरना मैं आगे चलूं, ओके चलो फिर तीसरे की बात करते हैं, आ जाओ, बहुत प्यारी चीज है, थोड़ा आप समझ भी जाएंगे शायद मेरी बात को, बट पहले मैं रीड करता हूँ शायद आपको अंडरस्टैंड हो। तीसरा टेस्ट, पहले टेस्ट का क्या नाम था, शेयर, अगर ऐसे बैठेंगे फिर मजा आएगा, पहले टेस्ट का क्या नाम था, शेयर आउटस्टैंडिंग और लिया रही, दूसरे टेस्ट का क्या नाम था, रिसोर्स टेस्ट, फॉर्मूला नहीं है बोलता इसका, फॉर्मूला सिंपल, जितने रिसोर्सेज हैं टोटल पीयूसी प्लस एफआर, उसका 25% डिवाइड बाय बीबीपी बाय बैक प्राइस, पहले वाला तो है ही बच्चों, कारण जितने शेयर इंटू 25% तो हो ही गया। अब सुन तीसरा हथियार, सबसे खतरनाक हथियार, ध्यान से सुनिएगा, पहले पढ़ प्लेन लाइन ओके, फिर नीचे कुछ जगह है मेरे पास यहीं पे थोड़ी सी लिखूंगा, और मेरी गारंटी है आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा टेक्निकल है समझ जाएंगे, ओके, रेशियो ऑफ डेट, रेशियो, रेशियो वर्ड सुनते ही वो भी डेट दिमाग में गया, डेट इक्विटी और तो रेशियो, तीन डेट की बेचारे की, चलो रेशियो ऑफ डेट, फिर मैं करेक्ट बोल दूंगा छोड़ना ही, ओन्ड बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड एंड कौन से अनसिक्योर्ड, सर आप ना भी बोलते ना, डेट तो हमें पता है क्या होता है, सिक्योर्ड
या अनसिक्योर्ड, याद है ना, लोन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, लोन तो लोन होता है, छोटू सा डाउट है, डेट का मतलब क्या, सोच लो पहले फिर बोल देना, डेट का मतलब क्या, वो नहीं, वो तो पता ही है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन हो गया, मॉर्गेज हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, सो मेनी वर्ड्स आते हैं, मतलब मेरा ये है प्लस टू में आप डेट को क्या बोलते थे, एनसीएल, गलत तो नहीं बोल रहा, नॉन करंट लाइबिलिटी, मेरा डाउट ये है डेट का मतलब सिर्फ एनसीएल है या सीएल भी है, सीएल क्या होता है, बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, मैं तीसरा डाउट ले आया, तीसरा डाउट ले आया, डेट का मतलब क्या है, एनसीएल जिसको आप लॉन्ग टर्म बोरिंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलती थी, याद होगा, या सीएलबी है, बस ये बता दो, बात खत्म होगी बस हमने बीच में, क्या कहते हो, प्लस टू में क्या पढ़ा था, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, प्लस टू में याद होना चाहिए था, लो अभी तो पढ़ा है, प्लस टू में क्या पढ़ा था, एनसी, मैंने इसलिए पूछा, वरना तो डाउट ही नहीं, आप आंसर सही बोल रहे हैं, वैसे याद होगी यार, मतलब आपको प्लस टू बाद में करानी थी, इंटर पहले करानी थी, आप आंसर सही बोल रहे हैं, डेट का मतलब हमारी बुक्स लेके चलती हैं दोनों, अब यहां पे ऑल्टरनेटिव आंसर आता है, आईसीआई भी ऑल्टरनेटिव कर देता है, अगर मेरी सोच मानो, मैं दोनों को मानू, बीकॉम लेवल पे फिफ्थ सेम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां पे हम फिर रेशो बढ़ाते हैं, उस रेशो में फिर बात होती है डेट की, वहां डेट प्लस टू लेवल पे हमने खुद सिखाया होता है एनसीएल, डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, बॉन्ड्स, याद है ना वही चीजें, बट करंट लाइबिलिटी भी, तब बच्चा होता है करंट लाइबिलिटी में क्या, मैं क्या 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 मतलब है, आपको लगता है शायद लोन ही होंगे, सारे सारे मतलब क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग, बस वो लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, कोई डाउट बात जमी, अब ये डाउट मुझे क्यों आया, अगर आप डेट सिर्फ एनसीएल लेंगे तो डेट की अमाउंट कम आएगी, उससे टेस्ट भी कुछ और आएगा और इक्विटी के शेयर के नंबर भी कुछ और आएंगे, अगर डेट का मतलब एनसीएल प्लस सीएल लेंगे तो डेट बढ़ जाएगा, उस अकॉर्डिंग इक्विटी भी आएगी, उस अकॉर्डिंग नंबर चेंज हो जाएंगे, तो बच्चा कहता है पेपर में हम कौन सा करें, मैं कह देखो ज्यादातर फिर वही डाउट, जहां टेस्ट करवाऊंगा मैं सीधा रहा हूं, वहां सीएल होगा ही नहीं, पहली चीज तो आप कहते हैं यही तो यार बड़ा काम खराब है, तो हर चीज आप ऐसे ही कह देते हो, जब आपने कहा वो रिसोर्स टेस्ट करूंगा तो प्रेफरेंस नहीं होगा, ये करूंगा तो ये नहीं होगा, मैं थोड़ा कह रहा हूं साले उससे पहले तो बुक देख लेना, हो तो मुझे बता देना, वरना सेफ साइड, हमें ये कैसे पता चलता है डाउट कैसे है, ये पेपर का क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है, वहां करंट लाइबिलिटी भी था, अब आईसीआई ने तो पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, बुक्स बीकॉम की बुक्स भी, जो बीकॉम के सेकंड सेम में चैप्टर है बायबैक, वो लेके चलती है, वो करंट लाइबिलिटी को डेट का पार्ट मानते हैं, और ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, जब पार्ट मानेंगे तो आंसर तो चेंज होगा, कोई बच्चा आंसर ने पार्ट नहीं मानेगा तो आंसर उसका भी चेंज होगा, बट हमें तीनों टेस्ट में से कौन सा चूज करना है, विच एवर इज लीस्ट, विच एवर इज लोअर, तो वो हो जाता है, बट पॉइंट ये है हम क्या माने, तो एज अ सेफर साइड मुझे तो आंसर देना ही पड़ेगा आपको, जैसे मैंने आंसर दिया एफ आर के अंदर किसको मान लेना, एसपी को, मैंने आंसर दिया इक्विटी के अंदर क्या मान लेना, प्रेफरेंस को, बोल दिया ना एसपी का आंसर आपको क्लियर कर दिया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्लियर कर दिया, कब कब स्पेसिफाइड मानना है, कब कब नहीं मानना, जब जब लिखा होगा फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक तो मानना है वरना नहीं मानना, कई चीजें क्लियर कर रहा हूं, ये लास्ट क्लैरिटी है मेरी तरफ से आज के, क्या डेट मतलब मेरे अकॉर्डिंगली एनसीएल प्लस सीएल, लिख लो वहीं पे एरो देके कहीं पे लिख लो, डेट इज इक्वल टू, नाम समझा रहे ना कि मैं ही बोली जा रहा हूं, एनसीएल नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और सीएल का मतलब करंट लाइबिलिटी, चलो वापिस आते हैं फिर अपनी फिगर अजम्पशन लेंगे, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो चलो गार्की को डाउट नहीं था, तो पता ही होता है लोन सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं, आर यू नॉट डेट, ओके इसमें भी लड़ाई नहीं, द रेशियो ऑफ डेट, अच्छा जी, ओन्ड बाय कंपनी दोनों मिला के बोथ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड करंट और नॉन करंट, आफ्टर बाय बैक, क्या आफ्टर बाय बैक, बाय बैक के बाद
इज नॉट मोर देन कब ट्वाइस द टोटल ऑफ इज पेड अप कैपिटल एंड इट्स एफ आर। क्या ये नाम वही नहीं है टोटल पेड अप कैपिटल एंड एफ आर जो कहां यूज किए थे? मैंने क्यों पूछा? आपके काम आएगा, आपके काम आएगा। आप कहेंगे अच्छा ये तो वही नहीं था, अभी रिसोर्स टेस्ट हम लेकर आए, वही है ये, वही है। आगे चलो, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट क्रक्स में आ गया। इसको लाइन ना समझे, मैं समझाने की बात, उसने कहा कि डेट की रेशियो ओन्ड बाय कंपनी आफ्टर बाय बैक 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 तक मिनिमम हम रख सकते हैं मैक्सिमम। आगे, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाय बैक मस्ट बी 2:1, मैक्स 2:1 कम रख लो आपकी इच्छा पर, हम 2:1 रखते हैं, हम क्यों पंगा ले रहे हैं, चलो जी और करा दूं, पागल हो गया, हम 2:1 को सेटिस्फाई करेंगे। अब मेरी एग्जांपल में मैं कॉपी करना चाहता हूं, लिख लो थोड़ा सा यहां पे, लिख लो टोटल पीयूसी प्लस एफ आर। हमने पिछले एग्जाम्पल में रिसोर्स टेस्ट में काफी क्या लिया था, 12 लाख, याद है ना भैया? अभी रिसोर्स टेस्ट में टोटल पीयूसी फुल फॉर्म याद है, पेड अप कैपिटल, एफ आर मतलब फ्री रिजर्व। थोड़ा और तोड़ के बताऊं तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। पेड अप कैपिटल क्या था पीयूष? 10 लाख लिया था मैंने, और एफ आर 2 लिया था बच्चे आपके लिए। अब बच्चा कहता है फिर तो मतलब फायदा हो गया, जो ऊपर पढ़ेंगे वही यहाँ पे, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। डिट्टो जी डिट्टो, सारा सेम नाम है जी। एसपी भी जो उन्होंने पूछा, तभी तो मैंने कहा नहीं, वहां जो निकालोगे यहाँ कॉपी हो जाएंगे, वहां जो निकालोगे यहाँ कॉपी हो जाएंगे। अब मुझे कहता 12 लाख आपके शेयर होल्डर फंड है राइट नाउ है, आप इस तरह से डेट इक्विटी मेंटेन करेंगे और 2:1 आ जाए और बायबैक भी करें, मुझे क्या पता मैं कितनी बायबैक करूंगी, रेशियो 2:1 आ जाए, तो मैं आपसे एक चीज डिमांड करूंगा, आप मुझे क्या बता दो, बता सकते हो यार, क्वेश्चन में दिया होगा तो बताने में क्या हर्ज है। ओके, आप कहते हैं जी मैं बता, हमारे डेट हैं, ध्यान से सुनना, यहां पे अपन लिख लेते हैं, अपने रेशियो भी मेंटेन करनी है ना, 2 मिनट, 16 लाख कितने हैं लिखिए, 16 लाख आराम से लिखो, डेट मेरे 16 लाख, क्वेश्चन में दिया होगा सर हमें काउंट भी करने पड़ सकते हैं, फिर तुम्हें क्या आता नहीं, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड करंट लाइबिलिटी भी, बट मैं अभी कट ही बोल रहा हूं। ओके, अब सबको रेशियो आती होगी, स्क्रीन पे कर रहा हूं, आपके सामने जगह पे कर रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आती होगी रेशियो के लिए, मुझे तो नहीं आती, आती है डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2:1, क्या इसको हम फिट कर सकते हैं डेट की जगह पे, कितना परी 16 लाख बचे, इक्विटी की जगह पीयूष क्या फिट कर देंगे, इक्विटी ही पता नहीं ना अपने को, डिवाइड बाय 2:1, 2:1 मतलब मैं हिडन फिगर निकाल रहा हूं, कितनी इक्विटी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मेरी रेशियो 2:1 आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप ऑरली भी बोल सकते थे सर क्या मजाक कर रहे हो, हाँ ओरली सर 16 लाख डेट है, हाफ कर दो 8 लाख, 8 को 16 के करेंगे 2:1 आ जाएगा। अब चलो मैं कर रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं इक्विटी, और एक कौन सी है बराबर में लिख दो ब्रैकेट में, पोस्ट बायबैक, इस बात पे दिमाग रखना, ये इक्विटी कौन सी है बायबैक के बाद, कॉमन सेंस है तभी रेशियो आएगी, रेशियो क्या है बायबैक करने के बाद, बायबैक करने के बाद, या इतने रुपए का बायबैक करो क्वेश्चन मार्क, इतने रुपए का बायबैक करो जिससे मेरी रेशियो 2:1 आ रहा है। मैं कह तो मुश्किल है कितने का कैसे, मैं कम कर तो डेट बोलो, कहते 16, अच्छा अगर 16 लाख का डेट है 2:1 मुझे रेशियो चाहिए, तो मुझे कितने का बायबैक करना, कितने की इक्विटी रखनी पड़ेगी बायबैक के बाद, रखनी पड़ेगी कितने की, 1 लाख, तो कॉमन सेंस है अगर 16 को 8 से डिवाइड करता हूं तो 2:1 आ जाएगा, बट लिखेंगे बट वी हैव प्रेजेंट, या मैं प्री बाय बैक बोल सकता हूं, व्हाट इज दैट, वी हैव प्रेजेंट, या क्या बोल सकता हूं, प्री बाय बैक इक्विटी इक्वल्स टू अपने पास पहले कितनी इक्विटी पड़ी है, और मैं जहां जहां इक्विटी बोल रहा हूं मेरे भाइयों, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, कितने मैं इक्विटी इक्विटी बोलता रह जाऊं, आप भी इक्विटी बोलिए, इक्विटी मतलब वही टोटल पीयूसी प्लस एफ आर, प्लीज इसको मैं लिखवा दूंगा। ओके, अब मेरे पास जबकि प्रेजेंट कितना है बच्चे, 12, कितना मुझे चाहिए माइनस पोस्ट बायबैक, माइनस पोस्ट बायबैक इतनी तो मुझे रखनी पड़ेगी जिससे मेरा टेस्ट क्या हो जाएगा आगे सेटिस्फाई बच्चे, तो मैं कितने रुपए का बायबैक कर सकता हूं, कितने रुपए का, रुपए का
4 लाख का, पर मुझे रुपए तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए शेयर्स। रुकना, रुको रुको रुको, भी तो रुको, जल्दबाजी ना पकड़ो, स्पीड ना पकड़ो। हो गया, अब मेन आंसर लास्ट, लास्ट स्ट्राइक है, वो खत्म है। यहां तक पहले देख लो सभी लोग, स्क्रीन पे आपके सामने, किसी को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, कोई चर्चा करनी है पहले तो यहां तक कर लो, फिर लास्ट में तो होगी मुझे पता है, फिर मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? आप खुद कहेंगे यार इसके लिए पढ़ा रहे थे, करना पड़ता, क्या करें, फिर आप क्वेश्चन करेंगे और लिख के अल्टर में करेंगे, यार हो गया मुझे मजाक बना रखा आपने, है ही मजाक है, बट अभी के लिए तो करना ही पड़ेगा सीन वगैरह। हो गया, दोबारा पहले दो टेस्ट क्लियर हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग 1 लाख शेयर इंटू 25%, 25,000। दूसरा टेस्ट रिसोर्स टेस्ट, अभी लिया 12 लाख, 12 लाख का 25, 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई बीबीपी, बाय बैक प्राइस, ओके बाय बाय प्राइस, ओके 20 रुपए से जो रेट होगा 25-30 रुपए, नंबर आगे 15,000-25,000। तीसरा टेस्ट क्या था, आफ्टर बाय बैक, मुझे नहीं पता कितना बाय बैक करो, बस इतना करो आपका डेट इक्विटी टेस्ट मस्ट भी क्या आ जाए, 2:1। अगर ये का मतलब है कितना करोगे टेस्ट आ जाए, ये बोलना तुझे कितना चाहिए, कहता डेट 16 है, ठीक है तू 16 में 8, तू 16 है मैं 8, तभी 16 डिवाइड बाय 8 करेंगे 2:1 आ जाएगा। ओके, बट मैंने अपने घर जब देखा मेरी टोटल पीयूसी प्लस एफआर क्या पड़ा है, 12। अब कॉमन सेंस है किसको नहीं समझ आता, 12 पड़ा है, 8 चाहिए, मैक्सिमम कितना बायबैक कर पाऊंगा, 4 लाख रुपए का, 4 लाख का, पर इतने रुपए हैं हमें शेयर चाहिए। अब डाउट ये है इसको डिवाइड करना है, सबको पता नहीं किससे डिवाइड करेंगे वो डाउट। हाँ पैसे तो ही है, तो दूसरे टेस्ट में किससे डिवाइड किया था, देखो एक चीज तो क्लियर है, फेस वैल्यू तो नहीं, एक चीज तो क्लियर है, ऑप्शन होता है 50-50 कि पहले तो ये उड़ा दो, तो फेस वैल्यू तो नहीं है। अब आपके दिमाग में घंटी बजती है भाई, मैं छोटा सा पॉइंट एक और है, अब दिमाग चलेगा क्यों, पॉइंट ये है बायबैक प्राइस तो मुझे पता ही था, मान लो मेरे केस में क्या था 20, मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं, कितना था 20, हम 20 से नहीं डिवाइड करेंगे कितने से, 30 से, एक नई चीज। अब बस कहता है कारण बता दो, ये मेरा शॉर्टकट है, कारण ये है, इसकी बनती है इक्वेशन बहुत बड़ी आईसी ने बना रखी है, पर हम काट देते हैं, कांट नहीं करना, सिंपल डिवाइड बाय 30। अब 30 ये 10 रुपए महीने किस बात के ऐड करे सीआरआर, मुझे एक चीज बताना दोबारा से, चलो आपकी बात एग्री करता हूँ, दिमाग काम कैच कैसे, यहां तक क्लियर कर दो, अब मैं क्लियर करता हूँ आपका डाउट, फिर मेरा डाउट आपका डाउट क्लियर करता हूँ। आपने कहा पीयूष या सभी ने कहा 4 लाख को डिवाइड करो किससे, दिख रहा है आपको बायबैक से डिवाइड करना, डिवाइड करो 20,000 क्या आएगा प्रभु जी, शेयर्स आएगा, प्रेजेंट रहना, आपके पास पहले कितने फंड्स थे, कितने रखने हैं, मैक्सिमम कितने यूज कर सकते हो, 4, पर 4 करते हैं, आज यूज करें, इस 20,000 शेयर्स का 10 रुपए से हिसाब करें तो 2 लाख से क्या कम हो जाएगी कैपिटल, हाँ है ना, 20,000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 2 लाख से क्या कम हो जाएगी कैपिटल, अगले 10 रुपए से क्या कम हो जाना चाहिए, और प्रीमियम भी आपने किसका पार्ट बनाया था, टेस्ट का, बोला नहीं, एफआर में आपने प्रीमियम को भी ऐड किया था, है नहीं, अब बात की बात है, फिर पीएनएल कम हो जाएगा, अल्टीमेट तो कैपिटल ही कम हो रही है ना, टोटल इक्विटी का मतलब क्या है, पीयूसी प्लस एफआर, तो प्रीमियम कहां से जाता है, एसपी से बना, एफआर से, और एसपी भी इस टेस्ट में किसका पार्ट है, पीयूसी का और एफआर का, तो 2 लाख से गार्गी जी क्या कम हो जाएगा एसपी, तो आप कहते फिर हो तो गया, सीआरआर कौन बनेगा, सीआरआर कहां से बनता है, मैं भी डाउट पूछूंगा, बड़ा शानदार डाउट है, अगर वहां तक पहुंच गई ना आपको मजा आ जाएगा, सीआरआर कौन बनाएगा, कहां से बनता है, फ्रीज ऑफ किसका पार्ट है, पीयूसी का और कैपिटल का, और कितने का सीआरआर बनना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, अगर मैं सीआरआर का पैसा भी मनु यहां से यूज करूंगा फिर तो तेरी कैपिटल ही क्या रहेगी प्रभु जी, और तुझे कितनी रखनी है, तो पॉसिबल नहीं है, दिमाग काम कर रहा है, पहले दिमाग काम करना चाहिए, बाकी तो बात की बात है, ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, कोई नहीं समझाता, ये ट्राई कर लेना यूट्यूब पे जाके, ओपन कह रहा हूँ मैं, कोई ट्राई करा दे, सब इक्वेशन करा दे, रटे ट्राई, एक्स ले लो वाई ले लो डिवाइड करके नंबर आ गया, प्रैक्टिकल तुझे लेके आऊंगा तो इस बात पे, अभी और लेके आऊंगा, अभी रुक जा, पहले यहां से बताऊ, फिर पूछूंगा आपसे अभी दूसरे टेस्ट में, फिर आप खुद कहोगे यार बात तो सही है सर,
दिमाग नहीं काम कर रहा। दोबारा बोल। जे मैं घर पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते, घर पे गेस्ट बुला रही, सिर्फ खाने पीने का खर्चा है। 2 मिनट सोच के बताना। मैंने नहीं बोला था, चाचा भाई को फोन कर दिया, घर आ जाओ जी। ओ आ गए, हमने सब्जियां सब्जियां लेके जो सामान होता खाना पीना ऑर्डर ऑर्डर भी कर लिया, खा लिया, बस यही खर्चा है। बोलो आते जाते जो शगन देने, वो तो मेन एंट्री है। किसी को बुलाना आसान काम है। हम कहते हैं छोटे होते हुए ये कर लो, पार्टी रख लो, इसको बुला लो, कहते साले बुला तो ले, सिर्फ बुलाना ही थोड़ा है, आ भी जाएंगे, खा पी भी लेंगे। अगर ऐसा हो जाए सिस्टम, सोचो कितना बढ़िया हो जाए। आधा मेल जो तुम्हारा इस वजह से रह गया जी, लेन देन, किसी की बर्थडे पार्टी का भी फोन आ जाता है, क्लेश हो जाता है घरों में। आया बर्थडे पार्टी का फोन, क्लेश अपने घरों में, किस बात को लेके, मेरे पास तो कपड़े नहीं है पहनने, मैं कौन सी ड्रेस पहन के जाऊं, मैं क्या पहन के जाऊं। ऊपर से अगला क्लेश, गिफ्ट, खाना इतना है नहीं, क्लेश ही है। अगले ने बुला के भी क्लेश कर लिया, ना बुलाए सारे बुलाते ही नहीं है, कैसे लोग हैं ये, हम भी नहीं बुलाएंगे, वो अलग क्लेश। पॉइंट एक का नहीं है, हम अभी आपके सामने बैठा हूं, मैंने बात करी, 12 लाख जेब में है, 8 लाख चाहिए। अब 8 लाख भी क्यों चाहिए, 16 लाख का डेट है, मैं क्या करूं सर। डेट 20 लाख होता फिर तो और समस्या हो जाती, समझे नहीं। अगर डेट 20 होता, इक्विटी कितनी चाहिए थी, ये भी कराऊंगा क्वेश्चन, अभी आएगा पेपर में, आएगा 10 नंबर में, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अगर डेट 20 लाख होता तो इक्विटी चाहिए थी 10, जेब में कितनी है, कितनी बार कर सकते थे, तो और कम हो गए। अभी तो एक और मजेदार चीज लेके आऊंगा, डेट है 26 लाख, पेपर का क्वेश्चन है, डेट है पूछता है इन केस ऑफ डेट इज दैट, डेट इज दैट, आंसर बताइए। तो होता क्या, तो हमें तो रट जाते हैं क्वेश्चन, हम तो याद हो जाते हैं कि हाँ कुछ नहीं, नील हो जाएगा। अब 26 लाख का डेट है, इक्विटी कितनी चाहिए, शर्म की बात है, जेब में बारह है, कैसे बाय बाय करेंगे। वो तो कहेगा प्रभु रहन दो, मैं तो तुम्हें भी मना करूंगा रहन दो, कारण पैसे ही नहीं, इक्विटी हो तभी बाय बाय करेंगे, तो पहले ही कम चल रही है लेवल से, पहले ही लेवल से कम चल रहे हैं। वो टेस्ट क्या कहेगा, मेरे अकॉर्डिंगली नो बाय बैक, निल निल आंसर। अब देखेंगे फिर बच्चा कहता फिर क्या होगा, इसको छोड़ो बाकी दो को देख लो, दिमाग खराब है, हमें कौन सा चूज करना है, विच एवरेज। हाँ लोअर तो फिर यही है कि रहन दो भाई, रहन दो भाई, जैसे घर में 4 लोग हैं, कोई कहता नहीं मैं नहीं कर रहा, तो उसके बिना काम पॉसिबल नहीं, तो वो नहीं कर पाएंगे, डिसीजन ऐसा। तो सेम चीज यहां पे दोबारा सोचिए, 12 लाख था, आपने कहा 16 का डेट है, मैं 1 मिनट से पहले आया, आपने करा नहीं, 16 डिवाइड बाय 2.1 जो भी किया, 8 लाख चाहिए, कितने रुपए मैं खा सकता हूं, यूज कर सकता हूं, इट्स अ 4 लाख। बट कॉमन सेंस इज दैट जब इक्विटी बाय बैक करेंगे, एंट्री विजुलाइज किया करो, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 2 लाख, फिर 2 लाख से इक्विटी कम हो गई, पीयूसी कम हो गई, जब एसपी पे करेंगे तब उससे भी प्रीमियम, प्रीमियम या जर्नलिज्म या एसपीएल अकॉर्डिंग टू फ्रीज अप, वो भी कम हो जाएगा, 4 तो कम ही हो गया, तीसरी कंडीशन तो पेंडिंग है अभी, सीआरआर। अब सीआरआर की बात करूं, वो तो फिर बनता ही कितने का है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितने की है, 2 लाख। और मजेदार चीज तो आप भाई मारेंगे, वो बनता ही कहां से है, फ्री। और आपके टेस्ट में रेशो में जो पीयूसी प्लस क्या था, वैसे पेपर में +2 में जो डेट अपॉन इक्विटी पढ़ते थे, वहां जो इक्विटी था वहां पे था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पे एफआर नहीं था, वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस था, कैपिटल रिजर्व, डीआरआर भी, रिवैल्यूएशन भी, काफी बड़ा था। आज मैं डिवाइड ही सिर्फ किससे कर रहा हूं, डेट वो भी बड़ा, करंट प्लस नॉन करंट, डिवाइड बाय इक्विटी, इक्विटी भी मेरे अकॉर्डिंग पीयूसी प्लस एफआर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इससे मेरे रिजल्ट और कम हो जाएंगे, फिर तो आपका टेस्ट ही गलत हो जाएगा। इतने में बच्चा बोल पड़ता है, थोड़ा ज्यादा तेज दिमाग आ जाता है, सर आप 2 लाख माइनस कर तो रहे हैं फॉर द सीआरआर, फिर जो बन रहा है वो भी तो, बस यही सुनना था, दिमाग काम करे, मैं कहूंगा जो बन रहा है वो भी क्या है, रिजर्व, और रिजर्व किसके पार्ट होते हैं, इक्विटी होते होंगे, बट इस टेस्ट के लिए मुझे कौन से चाहिए, आधे बच्चे पूछते हैं मुझे बाद में कि सर आप जब बैलेंस शीट बनवाते हो आप मिनट में कह देते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, जनरल रिजर्व कम हो जाता है, वही सीआरआर बन जाता है, ओ भैया वो बैलेंस शीट है, ये टेस्ट है।
और ये टेस्ट का यहां क्यों फर्क पड़ रहा है उसका भी कारण बता दिया, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। क्यों? कारण यहां पे चाहिए ही कौन से रिजर्व? फ्री। चाहिए कौन से? फ्री। होगी बात। तो मैंने एक सिंपल सा फंडा लगाया हुआ है, जितने रुपए पे कंपनी बायबैक कर रही है वो तो रेट दिए होते 25, 30, 35, 40, 50 दिया होता है, प्लस उसमें मेरे एक और रुपए ऐड कर दो। किस बात के? फेस वैल्यू। किसके? फेस वैल्यू। अब मेरे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना, आप कितने से बायबैक कर रहे थे? 20। 20 के अंदर फेस वैल्यू कितनी थी? ये याद रखना, फेस वैल्यू फॉर्मूला यही है। और एक किस बात के सीआरआर? 20 + 10 कितने हो गए? 30। डिवाइड कर, 4 लाख डिवाइड बाय 30 रुपए। हाँ बोलो, पॉइंटों में तो आएगा नहीं, आप जानते हो, 13,333। हाँ, 13,333 शेयर। अगर अब मैं पीयूष आपसे दिमाग की बात पूछूं, पहले टेस्ट ने मानो कितने नंबर गए थे? 25,000। दूसरे टेस्ट ने क्या कहे थे? 15,000। तीसरे ने क्या कहे? 13,000। कौन से चूज करोगे? दैट सिंपल। और मजेदार केस होता हूं, कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कंपनी वॉन्ट टू बाय बैक 10,000 शेयर्स। ऑलरेडी टॉप पे कंपनी वॉन्ट टू बाय बैक 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 वाला 20 में फलाना फलाना फलाना। नीचे मजा लेने के लिए बोल जाएगा, चेक करिए वेदर था वो 10,000 विद इन द लिमिट है या फिर आप कहेंगे ये तो डबल काम करा गया, जबकि नंबर दिए हुए हैं। बट यू हैव टू चेक इट। जैसे होता नहीं, धीरे सर ने काम किया, उन्होंने देख लिया, वो मुझे कहते फिर भी तू चेक कर ले, मैं ऐसे ही बोल दूंगा ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा? दैट्स इट। मगर जब तूने मेरे सामने बैठा है, तूने अभी पढ़ा है, मैं देखा है तुझे, तूने कर लिया होगा, नहीं फिर भी तू एक बार कर ले, अगर कल को गलती निकल आई तो लायबल तो मैं भी हूं। रीजन तुझे भी कहा था मैंने कि क्रॉस चेक कर ले, अभी तो कह रहा हूं, मगर चलो कर लिया, कर लिया। नहीं, ऐसे सेम जब क्वेश्चन ने बताया है 10,000 शेयर बायबैक करो, आप उसको रोक के नीचे लिखा हुआ पढ़ा, लास्ट में लिखा होता है बड़ा खतरनाक लोग हैं, रिक्वायरमेंट में पास जनरल एंट्री एंड ऑल्सो कमेंट वेदर द बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट। आपके तो जाते थे खेल गया हमारे साथ, पर हमें 3 टेस्ट बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से? शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स टेस्ट एंड कौन सा? डेट इक्विटी। अब तीनों के आंसर अर्चित हम लाइन में लिखते हैं, 25,000, 15,000, 13,333, विच एवरेज लिस्ट 13,333। बट इन अवर क्वेश्चन कंपनी ओनली वॉन्ट टू बाय बैक हाउ मेनी शेयर? 10,000। सो द 10,000 शेयर आर ऑलरेडी विद इन द लिमिट। फिर वो एंट्री शुरू करो, तैयारी तो शुरू करनी है अभी। हाँ, पेपर में कई बार क्या करता है, सिर्फ इस बार जो 7 नंबर में आया, मानोगे क्या मांगा? सिर्फ टेस्ट, और वही आंसर भी आपको बोल दूंगा, 11,000 शेयर। आंसर याद है मुझे, क्वेश्चन में कहा क्या? 14,000 शेयर बायबैक करने को कह रहा है वो, कितने? 14,000। हम शुरू हो जाते हैं, शुरू नहीं होना था, नीचे पर सही मांगा था, बता दो क्या ये 14,000 विद इन द लिमिट है या नहीं? क्या ऑरली बता दोगे? नहीं, यू हैव टू परफॉर्म द 3 टेस्ट। हाँ, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर लाइन में चलते हैं हम लोग। शेयर आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स टेस्ट, फायदा। जो रिसोर्स टेस्ट में डेफिनेशन लोगे वही डेफिनेशन फायदा आपका कहाँ काम आएगी? डेट इक्विटी। बट एक और कोशिश करना, कोशिश क्या करनी है? डेट ऑलवेज क्या होगा? गिवन। मैं आज बोल रहा हूं, डेट ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? गिवन। बस वो 2:1/2 कर लेना और चेक कर लेना प्रेजेंट इक्विटी क्या थी, अब क्या है, बैलेंस क्या है, डिवाइड बाय गलती मत करना। तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला है, पहले मैंने क्या बोला था, 1,25,000, 25,000, दोबारा बोल रहा हूं मैं, मेन चीज है। दूसरे में मैंने क्या बोला, रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग टोटल पीयूसी प्लस एफआर उसका 25% डिवाइड बाय बीबीपी बायबैक प्राइस। तीसरा, अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी कैलकुलेट द पोस्ट इक्विटी एंड प्रेजेंट इक्विटी, माइनस कर दो जो अमाउंट आएगी डिवाइड बाय बीबीपी प्लस फेस वैल्यू। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, बीबीपी प्लस फेस वैल्यू। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? फेस वैल्यू पता ही है 10 होगा। अगर जी क्लियर, 20 रुपये होगा, एक क्वेश्चन है बुक में, उसने 20 रुपए कर दिया, बच्चे ने 10 ही कर दिया, तो याद हो जाता ना, क्रैमिंग हो जाती है। आप आंखें खोल के वहां देखोगे कि फेस वैल्यू क्या है, 20, 30, 40, कैसे होती नहीं, चलो है तो कोई ऐड करना। अब डिवाइड करके आपका क्या नंबर आ गया जल्दी बोले? 13। एंड दिस इज माय आंसर, एंड यू कैन चेक इट दैट कैसे। हाँ, थोड़ा पॉइंट का 10-20 का फर्क रहेगा यार, कोई पॉइंट हमने इग्नोर करे हैं। अब 13,333 को आप पहले 10 से करेंगे तो 1,33,330, यू सी दैट। फिर 10 से करेंगे तो 1,33,330, फिर 10 से करेंगे 1,33,330, करते करते 399 70, 970 ऐसे हो जाएगा। मतलब 10-10 रुपए का शायद फर्क पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी चलो होगा, या 100, 200, 300 का फर्क पड़ेगा, जो भी होगा करके देख लो। हाँ, बस इतना ठीक कर लो। कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, 10 रुपए का फर्क पड़ रहा होगा। 10 रुपए का फर्क आपके सामने।
और फर्क तो आना ही है क्योंकि 0.33, बट वहां चिंता मत करना, हम पूरा ही माइनस करके आते हैं क्योंकि अप्रोक्स होता है। अब ये थोड़ा दिखाओगे कैपिटल बच गई 8 लाख 10 रुपए, वो तो नहीं कर रहे सर। हे, तो अप्रोक्स तो हर जगह चलता ही है, पॉइंट्स के कारण है, राउंड ऑफ नहीं होते शेयर, समझो दिमाग से। शेयर्स नेवर बी राउंड ऑफ, मतलब पॉइंट्स में अपर लोअर नहीं होता, लोअर ही होता। अगर जी 13.33.8 था तो आप 4 कर लेते, होते नहीं, हम 3 रखते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, अब तो बस आपकी बारी वेट है। अब आ जाओ फटाफट अपना मॉड्यूल के ऊपर। अगर ये बातें हमारी हो चुकी हैं, डन हो गया, अब दोबारा से 3 चीजों पे मेरा स्टार मार्क है, थोड़ा जगह निकालते हुए अगर मैं जस्ट नाम लिखूंगा मेरा, 3 चीजों पे बार बार चर्चा रहेगी जब भी इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। वो 3 चीजें कौन सी हैं, बॉक्स कर रहा हूं। पहली चीज है एसपी, एसपी एसपी जानते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ। नंबर 2 है स्पेसिफाइड, ये बच्चा पूछता रहता है, आज भी पूछते हैं, आज भी बच्चे पूछते हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कि आप इन प्रेफरेंस शेयर को स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मानते हो या नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है यार, मानते हैं। ठीक है, वो लिखा होता है फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, फॉर द फाइनेंस बायबैक, इतनी इंग्लिश आपको आती है, किसको नहीं आती। ठीक है, और तीसरा डेट, डेट, बट मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा क्लियर किया, दोबारा फिर क्लियर कर रहा हूँ एक एक लाइन में। एसपी का कोई डाउट नहीं है बायबैक में, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, बोलना मेरी बात को, एसपी का कोई डाउट नहीं है किसको लेके, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सिर्फ एक बंदे को डाउट है कौन, लिस्टेड, और वो भी कब, जब वो प्रेफरेंस शेयर क्या करता है, रिडीम, उस टाइम, रिडीम पे भी डाउट नहीं है, उस टाइम जब वो रिडेम्पशन वालों को क्या देता है, प्रीमियम, बस वहां वो कह देता है भाई तू प्रीमियम यूज मत कर, बस इतनी सी बात है। दूसरा, जो आप सिक्योरिटी इश्यू करते हो प्रेफरेंस फॉर द रिडक्शन ऑफ, किसके लिए, सीआरआर, क्या वो वही सिक्योरिटी है जो आईसीआई ने बताई है या स्पेसिफाइड है, हमें रूल्स नहीं पढ़ने हैं, जैसे पता नहीं एस में भी प्रेस्क्राइब, हमें रूल्स नहीं पढ़ने हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाइड है। सर अगर मैं ना लिख कर रहा हूँ, अजम्पशन लिख रहा हूँ, तभी ठीक है, बट मैं कहूंगा ऐसा डाउट आता ही नहीं, ऐसा डाउट आता ही नहीं, क्यों, आईसीआई जल्दी जल्दी जहां इश्यू करता है बोल के जाता है, जैसे फॉर द पर्पस ऑफ 2 मंथ्स बैक फलाना फलाना बोला होता है। तीसरा, व्हाट डू यू मीन बाय डेट, आज के बाद एनसीएल प्लस सीएल, मेरे अकॉर्डिंगली वाइडर स्कोप, याद है आपको एक चीज, याद है कोलेटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर में पढ़ते थे कोलेटरल, वहां पे ना 2 मेथड होते थे, कोलेटरल की एंट्री पास करो या ना करो, मैं क्या कहता था, पास करो, करो प्लस 2 लेवल पे, यहाँ तो चलो आईसीआर तो मर्जी के मालिक है, हम कहते थे हमने अपना काम बढ़ाना है घटाना नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे ये नहीं हो गया होगा ये हो गया होगा, नहीं, हमें काम अच्छा करके दिखाना है, ये नहीं सर शॉर्टकट था मैं बच गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये सब हमारी ड्यूटी। ओके, यहां तक कोई डाउट, ओके रिपोर्ट होगी, चलिए अब वेट कर रहा हूँ आपके साथ, मैं यहाँ से पेज टर्न करूंगा आपके सामने सारी बातें, बीच में कहीं आएगा तो बता दूंगा, क्या इलस्ट्रेशन बन सबको खबर है, आई थिंक सो, नोटिंग मेरे पास है, और ये पीडीएफ मैं सबको बाद में होने के बाद ग्रुप में शेयर करता हूँ, सबको नोटिंग मिल जाती है मेरी तरफ से, किसी ने कुछ लिखना होता है, कोई रह जाता है, तो सेफर साइड आपके पास होनी चाहिए हर चीज। अगला पॉइंट, उस पीडीएफ को मैं ओपन नहीं करूंगा, इलस्ट्रेशन 2 में मैंने एक पढ़ने का तरीका बताया था, गार्गी कभी भी बैलेंस शीट डायरेक्ट मत पढ़ो, नोट्स हैं तो फर्स्टली रीड द नोट्स, क्योंकि चैप्टर की अहमियत ही किस पे है, इक्विटी पे, हम क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं, डेट क्या है, क्रेडिटर क्या है, पीपी क्या है, कहाँ घूम रहे हो तुम लोग। ठीक हो गया, इसके बाद शायद आपको याद आ गया होगा प्रेफरेंस शेयर भी, इस क्वेश्चन में हमने क्या किए थे बच्चे, रेडिंग याद आ गया, हमने वैसे प्रेफरेंस शेयर की 3 एंट्री होती है, ड्यू पेमेंट सीआरआर, सीआरआर हमने हर चीज का क्या किया था, इकट्ठे कर दिया था, बल्कि हमने तो पेमेंट भी शायद इकट्ठी कर दी थी, वो 100 करोड़ 75 और 25 विद प्रीमियम, हाँ ड्यू मैंने अलग अलग किया था ओ नाम के साथ। ओके ग्रेट है, और कैपिटल रिजर्व हम लोग यूज नहीं करते हैं यहाँ पे बच्चे, उसके बाद एसपी और रेवेन्यू रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व, और ये बेचारा वैसे ही दिखा रहा है, और ये कंसेप्ट बताया था मैंने क्यों नहीं शो करते हार्दिक, आपने इन्वेस्टमेंट को किस पे शो किया है, एट कॉस्ट पे, जबकि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है 400 करोड़, अब 400 करोड़ नहीं दिखाना चाहिए, कॉस्ट पे दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू AS 30। अब मैं कहूँ जी मुझे क्या जरूरत है बताने की, अब जब धीरे सर आपको बढ़ाएंगे आप पहले बोलेंगे, अलग कहेगा यार बात, पता कैसे है, सिंपल बात है सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे हायर लोअर का कंसेप्ट नहीं चलता, वहां पे एट कॉस्ट पे ही हम लोग शो करते हैं, बात हो गई, क्या ये बातें सारी क्लियर है, 10 वाला शेयर 50 पे, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटू जी, मल्टीप्लाई में गलती मत कर देना, वो इन लैक्स इन करोड़ चलते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो, पर कोशिश करो आप भी हैबिट डालो इन थाउजेंड इन लैक्स में करने की, क्योंकि ना और बहुत बड़ी फिक्र बन जाती है अगर आप लिखने बैठ जाएंगे सीरियसली, और कैलकुलेटर है पूरा यूज करना सीखिए उसको दबा के। ओके, और मांगा क्या था, जर्नल एंड क्या बैलेंस शीट, आई थिंक सो यही था, प्रॉपर नोट्स, लिटिल बिट नोट्स चेंज हो जाते हैं आज बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपनली बता रहा हूँ,
डराई जाओ बच्चे को, ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा, कुछ नहीं था। वो कह रहे हैं तुम कराई बावड़ी कृपा आपको, ठीक हो गया ना, ये चिंता नहीं, मैं ये लिखना भूल गया, मैं ये लिखना भूल गया, आप आते हैं डाउट, कोई चिंता नहीं, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यू हैव टू कॉपी फ्रॉम द बैलेंस शीट, उन्होंने दी हुई है, आपको कॉपी करने में दिक्कत है क्या? हाँ, इट टेक्स टाइम, आज कह रहा हूँ इट टेक्स टाइम, बट ये टाइम कैसे कम हो सकता है? रिटर्न प्रैक्टिस, आज कह रहा हूँ आज, बल्कि पहला एमटीपी है 24 तारीख है आज इवनिंग में 3 बजे, जिनके जनवरी में पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर देंगे, उनको भी यही गाइडलाइंस हम बार बार सिखाते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट कर, कैसे लिखना है, वो घबरा जाते हैं, है ही पेपर ये सर, एडवांस अकाउंट्स हो गया, पहला ग्रुप द्वारा बोल रहा हूँ, एज कंपेयर टू ग्रुप टू काफी थोड़ा सा ज्यादा है, हार्ड है, रीजन क्वांटम है, हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, तो इट टेक्स टाइम टू बाय रिटर्न क्वेश्चन, तो हम लिखते रहते हैं, अब याद होगा फाउंडेशन में इतने क्वेश्चन लिख के नहीं करे मैंने, ज्यादातर बोर्ड पे ही टिक कर दिया, टिक कर दिया, ये हो गया ये हो गया, अब यहाँ पे पहली चीज क्या स्टार्ट हो रही है, हर चीज लिख के और अंडरलाइन करते हुए समझाते हुए, टेक्निक का फर्क, वो रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। टैक्स अब तक क्यों नहीं स्टार्ट किया, मुझे कोई शौक नहीं है, आपको बता चुका था, आपको जो टैक्स का ईयर आना है, मई 25 वालों को जो आना है और जनवरी 26 वालों को जो आना है, तीनों को सेम है, अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं अभी 23 जुलाई को, निर्मला सीतारमण ने जो बजट में कैपिटल गेन को लेके और कई टैक्स में लेके अमेंडमेंट्स करी हैं, मार्केट में कहीं भी इसकी बुक रेडी नहीं है, अब बुक्स आने वाली हैं, अभी इनको भी नहीं दिलवाई और छोड़ो, जबकि आधे से ज्यादा टैक्स इनका खत्म कर दिया, अब तक इनको बुक नहीं दिलवाई, कारण पुरानी बुक्स है मार्केट में और 1500-1500 रुपए के करीब बुक है, हार्डली उम्मीद है दिवाली तक आ जानी चाहिए, वेट सोचो 12 अगस्त के पढ़ रहे हैं, 12 अगस्त के पढ़ रहे हैं, दिवाली आने वाली हो गई, करीब हो गई, 2-2.5 महीने के ऊपर हो जाएंगे, अब तक बुक नहीं उनके पास, तो पीडीएफ से काम चला रहे हैं, बस सिलेबस नहीं रोक सकते, कारण बाद में करा देंगे, नहीं कमिटमेंट कमिटमेंट, इनको भी समरी प्रिंटआउट निकलवा के दे दिया, आप समझो फालतू का खर्चा करा है 200-200 रुपए पर बच्चा, अभी और निकलवाऊंगा, नई समरी अलग से आएगी 500 रुपए, कारण अटेम्प्ट के लिए वही वैलिड है, बट काम वेट क्यों करे, तभी आपको भी इसलिए स्टार्ट नहीं कराया, कारण कुछ नहीं है, मैं आज कुछ स्लैब रेट बोल दूं आपको, जो प्रीवियस ईयर लगेगा पेपर में आपको पता होना चाहिए, टैक्स चलता ही कैसे है, एक प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर, दो वर्ड होते हैं, प्रीवियस ईयर आपको जो पेपर में आएगा वो 24-25 है, जो चल रहा है अभी 24-25, सोचो जो भी चल रहा है उसका पढ़ाना है आपको, तो ऐसे कैसे पढ़ा दूंगी, अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम वेट कर रहे हैं, इतने तक आपकी काफी क्लैरिटी आ जानी है रिजल्ट्स को लेकर, बता दिया जैसे आपको मार्केट में सब जगह यही बात है कि बिफोर दिवाली इट्स में भी 31, इट्स में भी 30, वेट एंड वॉच, और तब तक अपने 29 तक 5 लेक्चर कवर हो जाते हैं, चैप्टर पूरा कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एंड इतने में दिवाली ब्रेक आएगी कंफर्टेबली, यू आर जस्ट यूर सेल्फ ऑल्सो, हम अपने ऑर्डर कर लेंगे, हम बुक्स अपनी ऑर्डर कर लेंगे, सब रेडी, हमारा सामान तो ऑर्डर ही करना है, जस्ट 3-4 दिन में आ जाएगा, मतलब डिले नहीं करेंगे, 4 तारीख ऑफ नवंबर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, 4 तारीख से हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट विद द रेगुलर क्लासेस एंड विद ऑल 3 सब्जेक्ट्स एंड विद फुल मोशन मॉर्निंग 9 o'clock जैसे इनका स्टार्ट हो जाता है, फिर 2-2.5 जैसा भी बचता है, 2 सवा 2 डेढ़ विद ब्रेक सब चलता है, फिर रेगुलर क्लासेस और मॉड ऑन, और बीच में कोई छुट्टी भी नहीं, एक्सेप्ट इन दिसंबर जो आपके बीकॉम एग्जाम, वो कॉमन डेट शीट होते हैं, यू नो दैट, चाहे वो यूसोर का बच्चा है चाहे वो रेगुलर का बच्चा है, डेट शीट इज द कॉमन, सबका एक ही दिन पेपर होता है, उसी दिन मैं छुट्टी करता हूँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ, पीयू पीयू ओके, अब मान लीजिए 5 दिसंबर को आप सबका पेपर है तो यहाँ क्लास नहीं होगी, 4 को होगी, यानी कि 4 को घर बैठ के बाद पढ़ रही हूँ, पढ़ी जाओ, यहाँ छुट्टी नहीं होती, मैं सही कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इन दिनों उस मिस करने का फायदा नहीं, अगर इतना बड़ा वेंचर हमने चलाया है, ये पढ़ने को सोचा है, आसान नहीं है आज कह रहा हूँ, पर आसान बनाएंगे, अब तक बनाया है, अब तो और भी आसान बनाने की कोशिश होती है कि बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा काम यही कराया जाए घर पे बाद में, पर घर पे क्यों दिया था इसी बहाने, किताब ओपन होगी, कुछ करना पड़ेगा, चाहे इजी क्वेश्चन ही था मैं कल करा देता, पढ़ा तो दिया था, 5 एंट्री थी, मैंने मुझे कराने में क्या दिक्कत है, मैंने कराना ही कराना है, बट मोस्टली मैं होमवर्क में बिलीव ज्यादा करता हूँ जानते हो, और इस बार वो यहीं पे हो आपके सामने, घर पे भी बाद में, घर पे तो एक चीज रिवाइज, और हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पुराने की रिविजन, मान लो ये चैप्टर बंद हो जाएगा, इंटरनल अगला चैप्टर है मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आई स्टार्ट विद दैट, तो इसको बीच में 2-3 बार फिर क्वेश्चन एक यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, लो जी बनाओ बैठ के, आपको याद आता था अच्छा हाँ बायबैक भी था भाई, इसमें सीआरआर था, इसमें ये था, मतलब भूलने वाला कंसेप्ट नहीं, और 6 to 7 चैप्टर्स आर देयर इन अवर सिलेबस, रेस्ट हमारे पास क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट वो मेरा काम है कैसे कवर करना है, आपकी चिंता नहीं, बस आपका काम एक है, एक या दो मान लीजिए, एक तो रेगुलर क्लास, अभी एमएसटीज है तो बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, अदरवाइज मैं इस चीज में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, लास्ट बैच में हूँ, जिसकी सीट फेस टू फेस है वो फेस टू फेस ही आएगा, अगर नहीं है तो आप लाइव हो जाओ, मुझे कुछ कर, बल्कि मुझे नुकसान है, मुझे तो 15,000 फीस कम मिलेगी, बट मुझे खुशी इस बात की वो उतना नहीं करेगा,
कभी आप आते हो कभी नहीं आते, दूसरे ने बैकअप नहीं लगाया था, वो माहौल खराब होता है क्लास का, वो काम नहीं चलेगा। और टाइम स्टैंडर्ड आपके सामने 9 बजे, तो ये नहीं कि 7 बजे बुला रहा हूँ 6 बजे बुला रहा हूँ, 9 बजे बड़ा कंफर्टेबल टाइम है, आराम से फ्रेश होके अपना आइए, 1.5 घंटे के स्लॉट है, यानी कि 4 4 घंटे अपने बुला रहे हैं, 1.5 घंटे के स्लॉट है और कंफर्टेबली तीनों लेक्चर्स को पढ़े, और डे वन से ईमानदारी से पढ़े। अभी होता है हमारे मन में ऐसे होता था जब नई नई क्लास लगाते थे, मैं अभी तो स्टार्ट हुआ है कोई नहीं, तो धीरे धीरे देख लेंगे पढ़ लेंगे, लॉ का क्या रिवाइज करना है क्या हो, 4 पेज तो हैं। नहीं, डे वन से हैबिट बनाएंगे, ये 4 कब 40 कब 400 बन जाते हैं, फिर दिक्कत आनी शुरू होती है कि यार मैं तो सर पढ़ा ही नहीं। अब आते हैं हमारे पास ना, अभी आते हैं, कल ही मिलके गए, परसों मिलेंगे पेरेंट्स, ये इसको बुखार हो गया जी, मैं तो होना ही था होना ही था, मैं पेरेंट्स को क्या कहूँ, उनके पेरेंट्स खुद सी हैं, वो भी मुझे आंख मार मार के बात कर रहे, मैं कह जी मैं समझ गया, मैं समझ गया बुखार हुआ उसको, मैं कहा बच्चे कोई बात नहीं, बच्चा बच्चा तो कह नहीं पड़ेगा, कार इकलौते बच्चे हो गए आजकल, पर मैं कह इसको बुखार कोई और है, अब चेक करा लो, टेस्ट में नहीं आएगा, कहते आ भी नहीं रहा, मैं आएगा भी नहीं, क्या उसका पहला डाउट क्या था, मैं अटेम्प्ट मिस कर लूँ, मैं क्या फिर तो फेल तो पक्का ही है, तो अटेम्प्ट मिस कर रहा है, अगले अटेम्प्ट पे जरा गारंटी है अगले अटेम्प्ट पास हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, वो बस बेवकूफी किस बात की, और अपने मन को पागल कैसे बनाते हैं, हम तो रोज सर्वे करते हैं कैसे पागल बना रहा है, आज क्या तारीख हुई है, 24 है 23 हुई है, कल 23 थी, हाँ परसों की बात है 22 की तारीख है, कैसे पागल बना रहा है, कहता जी डेट शीट आ गई भी, कब कहता कह रहे हैं शाबाश, अभी कहता डेट शीट आ गई अभी कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं कब कह रहे हैं, चलो तेरी बात मान लेते हैं 17 नवंबर कह रहे हैं, मैं ओके क्या पक्की बात है, कहता पक्का तो नहीं, मैं वो 23 से लेके 17 तक 26 25 दिन बनते हैं, तू वेस्ट करेगा बिले बैठेगा, उसको लग रहा है कि बीकॉम के बीच में मैं सी करूं, मैं चाहता तूने चूज कर लिया यू गो विथ बीकॉम, तो मेरे पास क्या करने आए, मेरे से क्या सुने हैं, हो तो क्या फैसला बच जाओ घर पे, फादर ने सोच रहा 25 दिन क्या करूंगा, तो पढ़ेगा बीकॉम 25 दिन सोच के था, ईमानदारी से बता दे, तो वो तो पढ़ना नहीं, क्यों उसने सारा पढ़ा हुआ है, सारी तैयारी उड़ के, कॉस्टिंग जीएसटी कंपनी लॉ इन्हीं इन्हीं सिलेबस का पार्ट है, सारा तैयार है, मैं वो तो करना क्या चाहता है, वो डरा हुआ है, डर अपने आप हुआ है, पहले पढ़ा नहीं, अब सारा सिलेबस ऐसे लग रहा है कि पर कितना ही कुछ मेरा पेंडिंग पड़ा है, मैं तो लगेगा जी ये तो लगेगा, ग्रुप 1 इज द हार्ड, मैं आज भी कहता हूँ बड़ा है, इसके लिए पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, लॉट ऑफ टेस्ट, अब आज उनका दूसरा पार्ट सिलेबस टेस्ट है, द्राक्ष का वहां बैठे हैं बच्चे, उनका दूसरा पार्ट सिलेबस टेस्ट है, चैप्टर 4 9 10 का, चैप्टर 4 9 10 का दूसरा टेस्ट है, फिर तीसरा टेस्ट होगा, अब तीन तीन चैप्टरों का लॉ का सोचिए, बड़े बड़े चैप्टर हैं, तो टेस्ट होगा, बच्चे कुछ लिख के नहीं जाएंगे, किसी को गलती पता चलेगी, देखो ऐसे भी हैं उनके उनमें से लॉ में पहली बार 40 में से 38, 40 में से 36 लोग, ये बच्चे भी हैं, ऐसे भी हैं 12 भी हैं, अब वो 12 वाला को वही टीचर पढ़ा रहा है, 36 वाले को वही टीचर पढ़ा रहा है, फर्क क्यों, वो घर पे पढ़ रहा है और उसके रिजल्ट की गारंटी मैं आज दे सकता हूँ, आपको वैसी चिंता होती रहती है, हमें पता होता कि गारंटी है, गारंटी भी नहीं बोलता गारंटी, वो भी इंटर की, क्या लेवल है, 6 पेपर है, कितना हाई है, बच्चा पढ़ता ही इतना अच्छा, कभी क्लास नहीं मिस करता, टेस्ट में अच्छे नंबर आए, तो क्यों रहेगा जी वो, आईसीए को पागल है, ये ऐसे बच्चे को फेल करेगा, हो ही नहीं सकता, हम वहां बल्कि उल्टा कह रहे थे, तू फेल हो गया भाई, रिजल्ट चेंज होएगा, एक बार रिजल्ट आएगा मार्केट में, बाद में बैकआउट हो जाएगा, ये गलत हो गया जी दोबारा बनाते, ये होना पड़ेगा, कैसे हो जाएगा, एक्सेप्ट वो बच्चा बीमार हो जाए, कोई मेडिकल इश्यू आ जाए, डेंगू वगैरह चल रहा है वो हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं, जैसे पिंजोर से लड़की है तमन्ना वंशज दीपांशु के साथ आती थी आपके वहीं से, वो रहेगी जी बच्ची, और होती तो है ये बच्चा होता है इंटेलिजेंट बच्चा, मैं वैसी रहेगी ये लड़की, 400 नंबर तो बड़े आराम से गए, 8 पेपरों में बीमार कितने सर, टाइफाइड टाइप हो गया, 106 बुखार, 104 बुखार, फिर भी पेपर देने गई, फिर भी पेपर देने गई, 385 मार्क्स, चलो रह गई एनी हाउ 385 नंबर ले गई, फिर भी बीमारी में 8 पेपरों में 400 चाहिए थे, 15 नंबर रह गए थे, अब मई में उसने पेपर दिए, बहुत रुक क्लियर, चको क्या बच्चा है? अब कह लो ऐसी रहेगी, पर रहेगी किस्मत की बात, टाइम पे बीमार पड़ गई बेचारी, 6 महीने लेट होगी अपने दोस्तों से अटेम्प्ट में, चलो देर सवेर सारे सीए बनते हैं, बट वाह देखो ब्रेक नहीं लगी, मई 24 दी गए, न्यू स्कीम थी, पहली बार न्यू स्कीम थी, पता नहीं पैटर्न क्या, पहली बार में नंबर चेक करो 480 470 उड़ा दिए, क्या मुकाबला करेंगे अपन किसी बच्चे का, ये होते हैं वो, हमें पहले पता होता है, बट पॉइंट है कि जब आप आते ही नहीं क्लास में, टेस्ट ही नहीं देती है कभी, मैं क्या जजमेंट करूं जी, हो जाएगा पास, मुझे कुछ नहीं पता है कौन,
मुझे ये नहीं पता कि घर पे क्या पढ़ता था, नहीं फिर दिक्कत है। और एक मोबाइल को मिनिमम, मैं मिनिमम कह रहा हूं यूज, टाइम बांध लो, एथिक्स रखो, द टाइम हम चलाना है चला रहे हैं, घर वालों को पता है इसका टाइम है, कर संडे इसका फ्री टाइम है 5-6 घंटे, अपना हॉबी करता है ये कर रहा है, बट पढ़ने के टाइम वो चलेगा फिर दिक्कत। मुझे बैठे बैठे चार फोन आ गए, मैं तो उठाया भी नहीं, जरूरी हो सकता है, घर से भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, वही होगी, ज्यादा होगी फिर आ यहीं पे आ जाएंगे, यही हो सकता है। और मैं हेलो हेलो सबको करने लग गया, फिर तो होगी तरक्की, धीरे सर पढ़ा रहे हैं, करके देख लो फोन जो उठा ले, हम आपको करते थे बल्कि चलो बात करा दो, आगे आप ही उठाते, मैं नहीं उठाता, अब आपको फोन करना पड़ता था कभी, एक बार तो 4-4 5-5 लोगों को फोन कर दिया, सबको फोन घुमा दिया, इस हाल सर के फोन आ रहे हैं कि बात करो, करें क्या, जरूरी हो जाता है वो नहीं उठा रहे, अपना एक रूल है यार। अब शाम को आप कभी आगे देख लेना, शाम को 3-3 बजे आएंगे, 6:30 बजे पेपर है पूरा, दोनों कमरों में सेंटर होगा, 57 के अराउंड बच्चे यहाँ बैठते हैं, और मैंने 55 रजिस्ट्रेशन लिए हैं जो मेरे वाले हैं, बस एक दो आउटसाइड लिया होगा, तो भी उनके फ्रेंड्स थे, अदरवाइज अलाउ ही नहीं करे, पोस्टर ही लगाया देखा आपने, MTP का कोई पोस्टर नहीं लगाया, वरना सितंबर का क्या क्या के लगाया, अब सीटिंग नहीं है कहाँ बैठाएंगे उनका, कैसे कैटेगरी जाओ, बल्कि टीचर्स को ड्यूटी देनी पड़ेगी यहाँ खड़े होके, पेपर देना है, कंडक्ट करना है, शीट कलेक्ट करनी है, प्रॉपर ड्यूटी है 3 घंटे की, और फिर उसको चेक करवाना है, प्रॉपर नंबर बनाने हैं, लिस्ट बनवानी है, हर चीज एक ऑन रिकॉर्ड पर, तो आपके तीनों टेस्ट जो उधर हुए थे कल, मैंने तीसरी लिस्ट निकलवाई है, व्हाट्सएप ही पड़ी थी मेरे पास, थी नहीं, मैंने अभी प्रिंटर किया, तीनों मेरे पास पड़ी है स्टेपल हुई, कि पता होना चाहिए मुझे कौन सा बच्चा क्या दिख रहा है, एनालिसिस है सर, अगर इतने ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं तो रिजल्ट भी है, वरना मुझे कौन सा नहीं पता, इकट्ठे कर लो जैसा मर्जी पढ़ा दो, जिसने पास होना हो ही जाएगा, वो तो कॉमन सेंस है, वो तो मुझे ही पता है, 55 बैठेंगे जी पहली बार हम सब, मतलब बाकी तो पता नहीं, मेरे तो उस बॉन्स वाला सीन रखा है कि 55 पहली बार बैठेंगे, उसके पेरेंट्स आए, मैं कही आपको तो पता नहीं, मेरे तो एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा लाइफ में, बच्चे पास होते हैं 15 होते हैं 20 होते हैं, जिसने देखा 30 30 होते हैं, 55 में से अगर मैं डाटा लेके चल रहा हूँ 50 मैं पास करा पाऊँ, 30 35 तो मुझे पता है सारे पास ही है, पास तो 50 कराने, कि एक बार पंचकुला में तहलका मचने वाला काम है भैया, इंटर कर गए 50 बच्चे इकट्ठे, मायने रखता है, जहां की मार्केट में 2 बच्चे सीए नहीं करते थे, आप सर्वे कर लेना किसी टीचर को कि हाँ जी आपके कितने बच्चे सीए होने, कहते हम तो पढ़ाते नहीं, ना गाइड करें, अब जो बच्चा वन टाइम में इंटर कर गया, सोचिए 2 साल की आर्टिकलशिप बड़े मजे से अपने अकॉर्डिंग करिए, हम तो तंग नहीं करते, जहां आपको इच्छा लगता है, यहाँ दिल्ली बाहर पंचकुला चंडीगढ़ जहां आपका मन है, आप काफी मैच्योर हो जाते हो, बीकॉम भी साथ साथ चल रही है, फ्री है, अरे काम सीख रहे हैं, और साथ के साथ लास्ट स्टेप इज द सीए फाइनल, और उसमें भी 6 पेपर, 6 में भी 5, एक तो ओपन बुक है, अगर आपको पता बच्चे बुक्स लेके जाते हैं बोरियां भर के, कभी देखना स्टोरियां डालते हैं तो बड़े स्टोरियों के बड़े पक्के साले, हर चीज की स्टोरी है पूरी, क्या करती है, एक बच्चा अविरल सीए बना है, मेरा स्टूडेंट है इंटर में, बहुत अच्छा अच्छा बच्चा है, इस टाइम वो एयर इंडिया में जॉब कर रहा है राइट नाउ, लगते सारी एयर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की लगी बच्चे की, बहुत अच्छी क्लास का बच्चा है वो, उसके फादर खुद सीए हैं 21 सेक्टर में, वो दिखा रहा है मैं तो पूरी बुक्स लेके गया, पूरे मॉड्यूल्स आईसी, एक्चुअली वो 5ों पेपरों का निचोड़ है, एमसीक्यू पेपर सारा एमसीक्यू है, बस 5ों सब्जेक्ट के एमसीक्यू आते हैं उसमें कट्ठे एज ए क्लब बुक, और वो ओपन बुक है, यू कैन ओपन द बुक ऑल्सो, आप ढूंढ सकते हैं कहाँ पे है कैसा नहीं है, बट आप कौन कह रहा है इकट्ठे करो, तीन तीन करके कर लो, वहां जाके डर भी लगता है अगर फाइनेंस में, तो गो विद द 3-3 ना, क्या दिक्कत है, बट पहले डर के रहोगे, फिर सीपीए कर रहे हैं लोग, सीपीए कर रहे हैं इंडिया में बैठे बैठे, कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, किस कंट्री के आपने सीपीए करनी है, यहां बैठ के काम चला रहे हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो अर्निंग हैंड बाई सीए, वो अच्छे पैसे तो कमा ही रहे हैं, जॉब तो लग गई 10 12 लाख की, तो हो रही है, साथ साथ में सीपीए कर दी, 1 साल में 1.5 2 साल में 4 पेपर देने और कटरिंग देने, एक एक करके देने उस कंट्री की, अब आप किसने कहा कनाडा जाकर काम करो, लोगों का दिमाग खराब है तो पता नहीं चलता कि कनाडा जाना है, और प्रभु जाने आपकी इच्छा है, वरना यहां बैठ के काम होता है कैसे, आजकल तो ग्लोबल मार्केटिंग है, आपकी एडवर्टीजमेंट जो आप बोलते हैं वो रन करेगी कनाडा के प्लेटफॉर्म पे, उनके इंस्टाग्राम पे, आप बजट लगाओ तो कनाडा के लोगों को आपका सीपीए प्रोफाइल दिखेगा, जैसे मैं कहूँ जी मेरी एड पंचकुला के लोगों को दिखे इंस्टाग्राम, क्या नहीं होता आजकल, तो वहां एड चलेगी, मैं साउथ के बच्चों को दिखाऊं वहां एड चलेगी, पैसे चाहिए, अब बजट लगाओ, और आप कमा रहे हो कौन सा घर से लेके लगाने हैं, इतने में वहीं से काम आना स्टार्ट होता है, कर ही चलो जितना बच्चा साथ साथ प्रैक्टिस चलाओ नहीं, रात को वो तो आपके एफर्ट है ना, कितना मेहनत तो करिए सब, बिना मेहनत के कुछ नहीं, ऐसी दे दो ऐसी।
ऐसे कुछ भी नहीं है, किसी के पास नहीं है ये समझ लो बात है। ये कोई सुना दे, मैं तो ऐसे ही बन गया। कहता है कोई, कहता है कोई अमीर बंदा मिला हो, बहुत स्ट्रगलिंग पर्सन मिला हो, बहुत जिन्हें आपने देखा हो क्या था, वो क्या लेवल है, वो कभी कहता है गलती से मैं तो ऐसे ही बन गया, फिर रस्ते में पैसे गिरे मिल गए मैं उठा लिए, ऐसे कभी सुने? मैं तो सुना रहे हैं। कोई बंदा मैंने अपनी लाइफ में देखा होगी आज इस लेवल पे है, इतने करोड़ का पोर्टफोलियो है, इतने करोड़ की कोठी है, घर बार है, अच्छी एक लाइफ स्टाइल है, वो कहे कि मैं ऐसे ही बन गया साहिल, आपा तो बड़े बड़े बेले थे, पता आज भी बेले? अच्छा भी ऐसे बेले परमात्मा सबको बनाए, अगर ऐसे बेले हुए काम चलता है भाई, उनके स्ट्रगल है, घर घर जाके काम किया, कहता लैपटॉप लेके गली गली स्कूटर स्कूटर घूमे लोगों की दुकानों पे। हाँ अब क्लाइंट बन चुके हैं, अब अगली जनरेशन भी सीए है, वो बैठे हम, फीस अच्छी हो गई, अब एक लाइफस्टाइल बन गया, अब सीए साहब बन गए तगड़े, मेहनत तो करी है। पहले दिन मेरे पास रोज 100 बच्चे खड़े थे लाइन में, साल चला रहे हैं, वेट हो रही है कि 100 बच्चे खड़े नहीं, गेट खोलो, ऐसा तो है नहीं, एक एक से स्टार्ट किया, रिजल्ट दिया। पहले जी 4 बच्चे पढ़ाए थे इंटर के 4, उसमें 3 पास हुए थे, फिर आगे 6 बार पढ़ाए, 10 पढ़ाए, 12 15, लोगों को फेथ भी नहीं होता ना कि सीए नहीं जी। आज भी पेरेंट्स आते हैं जी होती नहीं सीए, तो ये तो मैं सुना फेल ही बहुत होते हैं, मैं पता नहीं कहाँ देख रहे हो, इतनी फोटो किसकी लगाई, इंटर की है ये, फाउंडेशन ही लगा तो पौड़ियां भर जाएंगी, रस्ते गाड़ी पड़ेगी मंदिरों की तरह, या चुनिया बांध के आते हैं, यही होगा जी, नीचे लगाऊंगा ग्रिल पे चुनी बांध के, आओ ये फोटो आपकी वही दिखाऊंगा, सारी फोटो हो जाए यहाँ पे, तो पेरेंट्स देखते हैं फाउंडेशन तो मैं एक टेस्ट है। हाँ वो थोड़ा सा मैथ्स के कारण में दिक्कत आती है, बट वे कोऑर्डिनेट विद इट, इंटर में मेरी जिम्मेवारी है, मैं खुद लेता हूँ, बट आपको मेरी 2-3 शर्तें माननी होती है, रेगुलर क्लास में, घर पे पढ़ाई, मोबाइल बंद करके इस साइड पे पढ़ा, पढ़ा रहे हैं, उसके बाद चलाइए, कौन मना कर रहे हैं, सबका लाइफ स्टाइल, और घर वालों के साथ भी बैठिए, उनसे भी मिलिए जुलिए, उनसे भी उनकी प्रॉब्लम भी सुनिए, क्या डिस्कस कीजिए। हम कहते हैं तुम्हें तो पता ही नहीं, मिले क्या चल रहा है, हम कहते हैं पता नहीं, हम ही कुछ कर रहे हैं सब कुछ, इन्हें तो कुछ कर ही नहीं, ऐसा नहीं होता, नॉर्मल लाइफ की तरह ही, और देखते ही देखते आप 6 महीने में देखेंगे बड़े इजिली वी कैन गेट इट, एंड देन यू थिंक अबाउट दैट कि अब बताओ क्या करना है, अब अगली स्कीम क्या है, आर्टिस्टशिप कहाँ करें, हम वो भी गाइड कर देते हैं, और बच्चा खुद भी सियाना हो जाए, काफी अच्छी चीज है, स्कॉलरशिप आपके लिए रखी गई है, एक मेंटरशिप है, और हमें तो किसी ने दिया ही नहीं, हमने कोई आगे 100 रुपये भी देखेगा कोई भी नहीं, या 51 सौ अच्छा रिवॉर्ड है, मैंने कौन सा फीस के लग लिया आपसे, वही फीस है, आप चेक कर सकते हो, अपने दोस्त मित्र पढ़ रहे हैं, पिछले भी पढ़ रहे हैं, बल्कि बढ़नी चाहिए, हर बैच हमने लास्ट 4 साल से सेम है, मैं जनवरी 25 पढ़ाया है, इससे पहले तब भी वही 90 थी, बोथ ग्रुप फेस टू फेस लाइव 75 साफ लिखा हुआ है, ऑन ऑन रिकॉर्ड, रिटर्न कोई नहीं रिटर्न देता, लगता कोई नहीं कर लेंगे फोन पे, कहते मैं करना कराना क्या, यही है यही है, क्या दिक्कत है, मई 25 पढ़ा रहा हूँ, राष्ट्रप्रेंशु पढ़ रहे हैं, पूछ रहे ना रिटर्न सेम 90, आप पढ़ रहे हैं तब 90, इवन दो मंकरे जनवरी 26 भी सेम रहे 90, जहां तक सेम है सेम, बल्कि कॉस्टिंग मटेरियल की बढ़ रही है, बुक का प्रिंट पिछली बार 1300 था अब 1500 है, किसी के अंदर का 500 था अब 650 है, क्यों, एक कमिटमेंट कर चुके, बात 1000 2000 की नहीं है, टोटल ग्रुप के पीछे 60 70 हजार का फर्क पड़ता होगा मेरे हिसाब से, ज्यादा नहीं, बट एक कमिटमेंट मार्केट में जा रही है कि हाँ जी बंदे ये कर रहे हैं, अब इन्होंने जश्न पार्टी देखी हमारी, हो या हमने वीडियो भी देखी होगी, अब उसमें सारी चीजें आपके सामने है, इन्होंने तो पूरा लाइव देखा, कौन कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं, कैसे कैसे चेक दे रहे हैं, कैसे कैसे सब चीजें हो रही हैं, अब करना है तो अच्छा करेंगे, बेकार होता नहीं कि समोसा पैटी देके बैठ के खा लो, प्रॉपर एक लंच इनके सामने है, दे आर द उसके लाइव एग्जाम्पल है, प्रॉपर एक डीजे भी है, अगली बार थोड़ा टाइम ज्यादा निकालेंगे, बच्चे को नाचने ज्यादा, पिछली बार पार्टी में कम टाइम मिला, 2 2.5 घंटे में कहते और नाचना है, मसाले खाला खा लो, इनको मजा आता है ना कि चल रही है, कहते रेलगड्डी पे डांस करना है, रेलगड्डी बना के नाच रहे हैं, बड़ी खुशी, अलग अलग तरह की कलाकारी करते हैं, चलो इनका डे है, इन्होंने अचीव की है, और बाकी बच्चों के लिए मोटिवेशन है कि वहां बैठे थे कम से कम 100+ वहां पे बच्चा था, 50 60 ये बैच के, 38 40 पास हुए, 10 15 इनके बैच के थे, वो लाइव एग्जाम्पल, बल्कि अगली बार कह रखा कि तुम इससे भी बढ़िया और इससे बढ़िया और पार्टी प्लान करेंगे, तुम रिजल्ट लेकर आओ, पर ये वन टाइम की मेहनत है, एक बार तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, अगर मेहनत नहीं करोगे फिर काम खराब, फिर तो सोच लो बैठे बैठाए नहीं मिलने वाला, कोई बीकॉम नहीं है ये, कोई +1 +2 नहीं है, ये ऐसी हो जाएगा, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, लास्ट के दिनों में पढ़ लूंगा, हो ही नहीं सकता, लास्ट के दिनों में उल्टा टेंशन आ जाएगी, अभी उसको निबेड़ना स्टार्ट करो, घर जाके लिख के प्रॉपर एक रिकॉर्ड बना, हाँ अभी थोड़ा रिलैक्स है, 4 5 दिन जब रेगुलर हो जाएगा तो खुद देखेंगे, 10 दिन बाद देख लेना जी, 4 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाए, 15 नवंबर तक देख लेना, खुद हो गया यार अब लग रहा है ये सिलेबस हो गया स्टार्ट, अब ये सिलेबस है, अब तो पढ़ना पड़ेगा घर जाके डेली, और पुराना भी
इस तरह से। अब इस चीज में मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, थर्ड में जो होमवर्क दिया था मेरे अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए वैसे। कंपनी कौन सी थी? नॉन लिस्टेड, सारा मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके अंदर स्टार मार्क पॉइंट क्या था आपके सामने? कंपनी ने ऑलरेडी 2000 प्रेफरेंस शेयर कितने के हुए? 100 इच के 2 लाख। और क्वेश्चन किस में चल रहा है जल्दी बोलेंगे? इन 1000 में चल रहा है। 2 लाख के कंपनी ने क्या इशू करे जल्दी बोलो? प्रेफरेंस शेयर इशूड 2 मंथ्स बैक फॉर द पर्पस ऑफ किसके लिए? बायबैक। कहां फर्क पड़ेगा? सारा कुछ ओके है, इसकी एंट्री पास हो चुकी होगी, पैसा आ चुका होगा बैंक के अंदर, दोबारा कर देना। क्यों? ये बैलेंस शीट के अंदर है, सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा क्या कम बनेगा? सीआरआर, कैपिटल अप क्रॉस है। कंपनी ने पास किया, कितने शेयर बायबैक करने हैं? 20%। क्वेश्चन में मुझे जाके बताइए कितने शेयर थे मनु? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 20% कितना होता है? 50,000 शेयर। कितने शेयर? 50,000 शेयर हमें क्या करने बच्चे? बायबैक। एक शेयर कितने पे बायबैक करना है? 50। वैसे कितने का था? 50,000 × 10 कितना होता है? फेस वैल्यू 5 लाख। सीआरआर वैसे बनना चाहिए 5 लाख का, मतलब 500 का। ऑलरेडी कितने की प्रेफरेंस इशू हो गई? 200। अब सीआरआर कितने का बनेगा? 300। बाकी सब ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंगली ऑल 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 याद रखना, सारी इन्वेस्टमेंट बेच डाली 2200 की, वैसे कितने की थी? वैसे कितने की थी? 30 लाख की। 800 का नुकसान, 800 का नुकसान। ये 800 का नुकसान P&L से माइनस भी किया जाएगा, करा होगा शायद आप लोगों ने। ओके अब मैं आंसर लिख रहा हूँ। आ जाओ, पहली एंट्री एसेट बेचने की, यू कैन चेक इट, टेक कर सकते हो। बैंक डेबिट 2200, P&L डेबिट 800, और टू इन्वेस्टमेंट 3000। इसी का डाउट करा है ना? इसी का डाउट। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक बचा कहता है, ये क्या? ड्यू तो कर ले, ओ यार मर्जी के मालिक है, आपकी मर्जी है, अब बाद में कर देना। अगली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कैसे? सर वही 50,000 × 10, 5 लाख, 5 लाख को 1000 में 500, और ये कैसे आया कोई बताएगा? 50,000 × 40, 20 लाख। 20 लाख, 20 लाख को 1000 में 2000, 2000। तो ये बस ये गलती मत कर देना, हो जाती है यार गलतियां। टू इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं हम लोग ना, 2500। ये देखो एसपी डेबिट टू, देखो मैंने कोई दिक्कत करी? नॉर्मली एसपी यूज कर रहा हूं, था क्या एसपी? कितना था? बहुत है, ठीक है 2200 है, ठीक है। हमें कितना यूज करना है? दो, बल्कि 200 बच गया, बल्कि 200 बच गया। ये रहा सबसे स्टार मार्क पॉइंट, बनना कितने का चाहिए था? मैं जान के लिख रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, आप भी प्रैक्टिस में लिख सकते हैं। बनना कितने का चाहिए था? 500। 200 का आपने इशूड 2 मंथ्स बैक क्या इशू किए थे? प्रेफरेंस शेयर्स, और मैं स्पेशल बोल रहा हूं किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। सारी बात इस बात की है, सारी चर्चा इस बात की है, फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। यहां तक किसी को आई थिंक ओके। चलो अब ये बैलेंस शीट मैच करेंगे, सभी लोग बनाई है क्या? नहीं बनाई है, ओके ग्रेट। ओके प्रेफरेंस शेयर तो आप जानती हैं 200 के ही थे, इक्विटी चेक करके बताओ 2.5 लाख थे, 50,000 शेयर बायबैक हो गए, और भी चलता मैं तुम्हारे साथ। कितने बचे? 2 लाख, 2 लाख × 10, 20 लाख, 20 लाख को 1000 में 2000, 2000 प्लस 200 2200। चल भाई ये आपके ऊपर छोड़ दिया, शायद आ गया होगा सभी का, ग्रेट। कॉपी पेस्ट, इट्स अ टीपी, टोटल आ गया मनु 10500 बचे, यू कैन सी दैट, ओके ग्रेट है। एसेट्स में कॉपी 9300, इन्वेस्टमेंट गायब हो गया, इन्वेंटरी कॉपी, टीआर कॉपी, कैश देख के बताओ कितना बड़ा है? अच्छा ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, 800 पड़ा था और 2200 आ गया, 2200 इन द फॉर्म ऑफ लैक्स है, माइनस 2500। हाँ ठीक है 2500, ठीक है तो 500 बचे, और क्लियर आपको और क्या चाहिए? और ये रहे अर्चिता इसके नोट्स, एक बार देख लेना वन टाइम है, एक चैप्टर के देख लो, हर चैप्टर में बैलेंस शीट है। तो मैं बार बार बोलता नहीं कि टाइम खराब होता है, एक बार सीख लो देन, बार बार ऐसे कराने लग गया ना आधे घंटे में क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ही नहीं पूरा हो पाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस, ये देखो अब आ गया ना कैप रिजर्व, वैसे बेचारे का कोई काम नहीं पर बैलेंस शीट का पार्ट तो है ही है ना। अब ये देखो कैसे दिखाया, सीआरआर सीधे ही 300, ये सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसे दिखाते हैं, कर सकते हो 2200 − 2000, चाहे कॉपी कर लो कोई दिक्कत नहीं। रेवेन्यू रिजर्व माइनस ट्रांसफर टू कर, मैंने ऐसे कराया था। सीआरआर कितने? 300। और ये रहा P&L माइनस क्या करके दिखाया? लॉस। दिस इज द आंसर ऑफ 6900, किसी को डाउट बता सकता है, डन है। अब फोर्थ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टार्मा कर रहा हूँ, आप मत करिएगा अभी के लिए, कारण दिखाता हूँ, है तो नॉन लिस्टेड, कारण कुछ नहीं है, कारण है ये पॉइंट्स, यू कैन सी दैट सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, बट रिक्वायरमेंट वही है, क्या मांगा है? जर्नल एंड क्या? बैलेंस शीट। बट मैं आज पंगा नहीं लेना चाहता, आज आपको मैं एक क्वेश्चन छोटू सा दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे अभी, और टेस्ट कैसे लगते हैं। आ जाइए हेडिंग दो कॉपी पे, हेडिंग दो कॉपी, हेडिंग दो जल्दी, ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है, मतलब ये थोड़ा बड़ा देते हैं यार, डरना मत, फाउंडेशन में डरते थे
इतने सारे पेज देके एक काम कर दो, ठीक है ना, इनका काम है करने दो। लो भैया आ जाओ, इलस्ट्रेशन 5 इज वेटिंग फॉर यू, हेडिंग दो जल्दी। इलस्ट्रेशन 5, 5 मिनट लगेंगे, कुछ भी नहीं है यार। इलस्ट्रेशन 5 जल्दी, मजा आएगा, सभी लोग करेंगे मेरे साथ साथ। पहले इससे पहले पर मुझे आपसे एक श्योरिटी चाहिए, क्या तीनों टेस्ट याद है? दोबारा कितने थे? 3। कौन कौन से? शेयर, आउटस्टैंडिंग, रिसोर्स, टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग में क्या चक्कर करते हो? जल्दी बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 25%, डेट क्या जाएंगे? नंबर, रिसोर्स टेस्ट का फॉर्मूला, टोटल पेड अप कैपिटल प्लस एफआर इनटू 25% डिवाइड बाय बीबीबी, शेयर आ जाएंगे। डेट इक्विटी, डेट पता है, इक्विटी आ जाएगा 2:1 करके। प्रेजेंट इक्विटी आपको पता है, पोस्ट इक्विटी आपको पता है, डिफरेंस क्या करेंगे? बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस। चलो फिर मजा लेते हैं। प्रथम लिमिटेड पहले पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं, 1 मिनट लगेगा करंटली में, आप खुद बोलोगे मजा आए। प्रथम लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ आपके सामने, ऊपर कर दूं क्या स्क्रीन पे, सबको विजिबल है? पहले तो ये बताओ क्या स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो बस, छोड़ दो सारी बातें, स्क्रीन पे देखो क्या ये विजिबल है कि नहीं विजिबल है। ओके सुनो, इक्विटी शेयर कैपिटल की 10 रुपए का शेयर है, कितना दिया बच्चे? 30 लाख। और नहीं सुनो, बोलने का नहीं है, पर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ है? जर्नल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल है, ये कौन है? काम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो दोबारा हो जा। लोन फंड्स कितने हैं? 42 लाख। वेट, चेक करो करंट लाइबिलिटी है, डाउट खत्म हो गया, डाउट खत्म हो गया, याद गया? चेक करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डाउट क्लियर हो गया, समझा मेरी बात? मैं ये कह रहा था, आप मुझे बोल देते थे, ऐसे बोल देता है, ये आपके सामने, ठीक है। आगे मांगा क्या है? क्वेश्चन तो पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी टेस्ट रेशियो, वैसे मैं तीनों कराऊंगा, इसने मांगा सर कौन सा है? डेट इक्विटी, मजे ले रहा है, हमें आता है। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक इन द लाइट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन द ऑफर प्राइस फॉर बाय बैक आरगी 30 रुपए। अब किसको नहीं लैंग्वेज समझ आई, पहले ये था बच्चे क्या कहते हैं, समझ नहीं आया क्या समझा तुझे? साफ लिखा है बीबीपी प्राइस क्या है, 30 रुपए। कितने रुपए? 30। मेरे अकॉर्डिंग चलो, मेरे अकॉर्डिंग, आप कॉपी पे लिखो, आप कॉपी पे लिखो, लिखो। 3 टेस्ट आर देयर, इलस्ट्रेशन कौन सा है? मैं यहां लिख देता हूं, प्री टेस्ट आर देयर है, कुछ भी नहीं, छोटा सा काम है। पहले टेस्ट का क्या नाम जल्दी बोलेंगे? शेयर आउटस्टैंडिंग, थोड़ा फास्ट चलेंगे बस, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट आई थिंक सो। इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता यार, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना? 25%। तो मैं क्वेश्चन पे दोबारा आ गया शुरू, चेक करिए कितने की नमें कैपिटल बचे? 30, एक शेयर बचे। तो किसको नहीं पता नंबर ऑफ शेयर्स आर 3 लाख, आई थिंक सो, वेरी ओके ग्रेट। तो 3 लाख का टाइप करके बताओ लक्ष्य, 25% कितना होता है बच्चे? बहुत बढ़िया, 75,000 शेयर समृद्धि। पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बायबैक कर सकते हैं, वैसे फिर कहूंगा बाबू जी ने मांगा डेट इक्विटी था, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखिए यार प्रैक्टिस हो जाएगी, करना तो है ही है, एक लाइन से क्या फर्क पड़ता है। चलो दूसरा टेस्ट प्रशांत, क्या नाम होता है बच्चे? रिसोर्स, रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है? मैं क्या, पहले तू आ जा। टोटल पीयूसी, देखो अभी के लिए पीयूसी बोल रहा हूँ, समझदार बनिएगा, वहां तो पेड अप कैपिटल पूरा लिखेंगे, प्लस प्री रिजर्व इंक्लूडिंग, आपके लिए लिख रहा हूँ, हाँ आपके लिए लिख रहा हूँ, मुझे तो याद है, इंक्लूडिंग एसपी, भूल मत जाना। चलो पेड अप कैपिटल का तो क्या ही हाल सुनाऊं प्रभु जी, एक ही कैपिटल थी वो 30 थी, एक ही कैपिटल थी वो 30 थी, प्रेफरेंस था ही नहीं सर, अगर होता तो ऐड करते, द्वारा बोल रहा हूँ, होता तो ऐड करते, वेटिंग फॉर मी। ओके, इसके बाद जर्नलिज्म है, एसपी है, पीएनएल है, बोलो मेरे भाइयों क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? चलो आप सही बोल रहे हो, मतलब मुझे अलग बोल दो ना यार, कितना था जर्नलिज्म जल्दी बोलो, अभी तो पेज बोल गया, आराम से बोलो ना, 32,50, एक एक के बोलो, हमें कहता कि आज डिग्री दे, हमें 6 लाख प्लस वो लास्ट क्या था? 4। अब बता टोटल है? ओके सभी बता देना यार, कैलकुलेटर तो चलाना आता है, मैंने बोर्ड लगाना पड़ेगा, कैलकुलेटर चलाना सीखो मात्र हाफ हफ्ते में है? 72,80,000 हो गया, ग्रेट। इसका टाइप कर 25%, 18, 20, 80 का 25%, 20,072 का 18, 18, 20, 18, 20 तो अभी अमाउंट है, मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक 18, 20 डिवाइड बाय किससे करते हैं? बायबैक प्राइस, ग्रेटर। बायबैक प्राइस क्या थी? 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिया हुआ है
गलती मत कर देना कि 10 ही कर दो। बायबैक प्राइस 30 करोड़ डिवाइड, पॉइंट है मेरे द्वारा बोलो 60,000। हाँ, 7 तो क्या करेंगे, 60,666 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक, रेडी विक्ट। ओके ग्रेट, चलो भाई तीसरा टेस्ट, सबको जहां डाउट है बता देना, वैसे आना नहीं चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, वैसे बाबूजी ने यही मांगा था बट अपने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हमने सारा कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताएंगे, डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2/1। बच्चे शुरू हो जाओ मेरे भाई, डेट कितना दिया हुआ है प्रशांत? डेट बच्चे 42 लाख गिवन टू यू, 42 लाख। तो सारे समझदार हैं, चलो कोई लिखते हैं पहले, 42 लाख डिवाइड बाय इक्विटी डिवाइड बाय इज इक्वल टू 2/1। तो सब बता सकते हैं मुझे कितनी इक्विटी चाहिए, और एक कौन सी होती है, पोस्ट बायबैक। समझे नहीं यार, रेशो ही कब चाहिए मुझे बायबैक करने के बाद इतनी रहे, जैसे घर वाले कहते कि इतने पैसे बच जाएं बाकी यूज कर ले, तो मैं सोचूंगा है कितने तभी बचाऊंगा तभी यूज करूंगा। सेम इक्विटी पोस्ट बायबैक कितनी है ये बता सकते हो, 42 लाख डिवाइड बाय 2, मैंने थोड़ा प्रॉपर करके दिखा दिया कितना बच्चे, 21 लाख बचनी चाहिए। बट अच्छी खबर क्या है, स्टार मार्क प्रेजेंट इक्विटी इक्वल्स टू 72 लाख, पर कितनी थी 80, ये काम आएगा, ये काम आएगा अभी, और ऊपर गलत कर दिया फिर गलत हो गया, 72 लाख 80 माइनस पोस्ट बाय बैक, माइनस पोस्ट बाय बैक इक्विटी, लैंग्वेज लिख रहा हूं जितनी हो सकती है, 21 लाख कितनी कर सकते हैं बायबैक बता भाई, माइनस कर दे 51, 51 लाख 80। ये तो इतने रुपए की कार की बायबैक रक्षित कर सकते हैं, बट तुझे तो बच्चे चाहिए नंबर ऑफ शेयर। आ जा फिर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक 51,80,000। मेरा फॉर्मूला क्या था ये, बायबैक तो मुझे पता है, प्लस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या थी, बच्चा बोलता ही नहीं है यार ऐसी बात नहीं था, फेस वैल्यू क्या थी ये बताओ, 10 रुपए बायबैक का क्या रेट था, 30 रुपए, 30 और 10 कितने हो जाएंगे 40। मैं बाद में इसको एरो दे रहा हूं स्टार मार्क के लिए, कैसे आपको समझ आ जाएगी, बायबैक प्राइस प्लस क्या लिखा मैंने समृद्धि फेस वैल्यू, तो 30 प्लस 10 गार्गी कितना हो जाएगा बच्चे 40। पूरा अच्छे से लिखो यार, पूरा मजा आए पेपर वाले, क्योंकि नोट्स बच्चे ने बनाए, आप डिवाइड करके बताओ, 129 129,500 शेयर्स, 1 लाख, ये तो कहीं पहुंच गया, हम तो बहुत पीछे थे इसे, हम तो सिर्फ अभी कुछ और ही बोल रहे थे। हाँ 75,000 और 60,000, चलो उसने हमसे आंसर तो नहीं मांगा, बस ये मांगा था कि डेट इक्विटी के अकॉर्डिंग बता दो, मेरा मन करा सारा कराता हूँ, इसी बार आप प्रेजेंटेशन सीख जाते हो मेरे अकॉर्डिंगली। आप पहले कर लिया बताओ, सभी लोग डाउट किसी, डाउट किसी, 51 लाख कितना दिया जल्दी बोलेंगे, 80,000 डिवाइड बाय आपने कितने से करा जल्दी बोलेंगे 40। अब सुनो, अब इसके बाद मैं अगर आपको आंसर चेक करवाऊं, क्या यही आंसर है, बट मैं इनका वर्किंग नहीं दिखाऊंगा, इनकी वर्किंग नहीं दिखा देता, उन्होंने क्या करते हैं ये चलते हैं इक्वेशन मेथड, नीचे लिखा भी होगा आप देखोगे, बाय साइमल्टेनियसली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जितने मैथ में करते थे कि इतनी इक्विटी बचनी चाहिए कितने से करें, और ये रहा आपका वो इक्वेशन मेथड, आंसर मेरा सेम है, चेक करो हमारा ये था 72 लाख 80 यही आया था, और ये रहा इनका थोड़ा सा लॉ, एज पर सेक्शन 68 ट्रांसफर टू अमाउंट साइमल्टेनियसली, कैसे कैसे ये अमाउंट देते हैं जी, मान लो सीआरआर इज एक्स मैक्सिमम परमिटेड अमाउंट इज वाई, तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं, हमें इस तरह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने यू कैन सी दैट, चेक करेंगे, कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो दिख रहा है कुछ, 72 लाख 80 माइनस एक्स माइनस 21 लाख, करना वही है, चलना वही से है, आंसर घूम फिर के वही आएगा, बट हमें इनको फॉलो नहीं करना है, हम अपना आंसर करेंगे, आपके सामने एक लाइन में खत्म हो गया, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद चलो, अब ये क्वेश्चन आपके पास फिर आ जाता है अपना 6 नंबर, ऊपर हेडिंग क्या दिया हुआ है, पैरेटो लिमिटेड कौन सी कंपनी है, नॉन लिस्टेड, ये मैं आपको अगली क्लास में स्टार्ट करूँ, तभी आज आपको मैंने ये सिखा दिया, अब अगली क्लास में सिर्फ सीखना सिखाना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है क्वेश्चंस।
ओनली क्वेश्चंस, और बैक एक्सरसाइज पे आपको दिखा दूं, ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे वैसे बता दूं ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद अपने पास जब जाएंगे या जाके समरी, जैसे आप जाते हो खत्म हो जाए चैप्टर, ये कुछ एमसीक्यूज आते हैं जो आपके लिए होमवर्क रहते हैं हमेशा, जब मैं कोई चैप्टर पढ़ा देता हूँ उसके बाद जाके ये आते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। 8 नंबर पहले कर लेंगे एक बार, 9 नंबर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 10, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 11। हाउ मेनी क्वेश्चन आते हैं, फोर फोर। वहां पे दोबारा सुनो, दो पहले वो छह थे, चार हमने कर लिए, कौन सा बचा, चार और सिक्स और चार, ही छह क्वेश्चन है। अगली क्लास सैटरडे यू हैव कंप्लीट योर चैप्टर फ्रॉम माय साइड विद एवरीथिंग। बस आपने क्या करके आना है, टेस्ट समझ के आना है थोड़ा सा, और पुरानी बातें कुछ देख के आनी है, अदरवाइज अभी ऐसा चल रहा है देन प्रैक्टिस ही है। जब ये चैप्टर हो जाएगा आपके सामने, स्कैनर रखूंगा, फिर आप कहना मुझे कि यार ये चैप्टर था, हम क्या ही कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, बट समझ के चलना है। हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का, तभी समझाया सीआर का पैसा कहाँ गया, ये घर बाद में जो बना रिजर्व वो फ्री नहीं है। दैट्स व्हाई बनाओ, तो एक जाता एक आता, आंसर तो बराबर ही। जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन ही पढ़ते थे, ये फर्नीचर लिया, कैश कम हो गया, फर्नीचर आ गया, एसेट तो वही है, एसेट साइड तो वही है, पर बच्चा कहता फिर क्या हो गया, रिजर्व चला गया, सीआरआर आ गया, जो आया वो फ्री नहीं है, जो आया वो फ्री नहीं है, दैट्स व्हाई, पर जो गया वो फ्री था, तो चक्कर पड़ गया वो 4 लाख वाला, अदरवाइज। फिर बच्चा कहता है थोड़ी सी बात रह गई, दूसरे टेस्ट में आपने सीधा बायबैक से कैसे डिवाइड करा दिया, उसको मिले, वहां लिमिट ये थी कि 25% ऑफ रिसोर्स टेस्ट के ज्यादा का बायबैक नहीं कर सकते, ये तो नहीं कंडीशन थी कि रिजर्व इतना बचना चाहिए। सोचो दोबारा सोचो, वहां कंडीशन क्या थी, जितना रिसोर्स बनता है टोटल पीयूसी प्लस एफआर, मान लो यही 72 लाख 80, इसका 25% कितना होता है 18 20, इतने का बायबैक इज अ गुड। ये तो नहीं कहा कि इतने का बायबैक करेंगे, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, जब इतने का बायबैक करोगे प्रीमियम कम होगा, कैपिटल कम होगी, सीआरआर भी कम होगा, भाई यहाँ कंडीशन ही है ना, यहाँ कंडीशन थोड़ी है कि 75% रिजर्व बचना चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सिंपल किससे डिवाइड कराया, बायबैक। कोई डाउट क्लियर हो गया? ये तभी लेक्चर्स आपको ओपनली शेयर कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि हर बैच में बताना अपनी ड्यूटी है कि कैसा पढ़ाएंगे, मटेरियल क्या है, वही सेम है यहाँ, जो 4 5 साल से पहले चल रहा है वही मटेरियल चल रहा है। हाँ, पहली प्रायोरिटी मेरी मॉड्यूल होती है, आपके सामने शो कर दिया, बंदे कहते हैं इसको टाइप कराना क्या मुश्किल है, इन 6 8 क्वेश्चनों को जहां इतने टाइप कराता हूँ, इसको टाइप कराना क्या मुश्किल है, कि हाँ जी मेरी तरफ से आई से कॉपी कर दिया हमने। आपको भी मजा है जो दिल्ली से बुक साइंस का करना क्या है, सिर्फ शो पीस थोड़ी रखी अच्छी लगती है देखी हुई, तो इसको पढ़ना भी है, इसको पढ़ना भी है, और उस पर बच्चा जब लिखता है, और मैं पहली प्रायोरिटी आज भी कह रहा हूँ, तो बातें शुरू भी नहीं हुई हमारी, पहली प्रायोरिटी मॉड्यूल है, पहली प्रायोरिटी, बस ये समझ के पढ़ लो। या छोटे होते ना, मैं आज भी कहता हूँ, कोई बता देता था कि यार इस बुक से पेपर आएगा, या मैडम ने इस बुक से टेस्ट बनाया है, 5वीं 6ठी साइंस क्लास की बात है, हम पागलों की तरह पढ़ी वो भी नहीं जाती थी, पढ़ी वो भी नहीं जाती थी, पर पागलों की तरह थोड़ा इसी में से आना है, पढ़ लो, और कई बार खुशी भी होती थी, सेम पेज मिल गया, भाई सुबह ही पढ़ के आए हम, कई क्वेश्चन होते थे तो सेम चीज मैंने आपको टेस्ट किया, साहब कि मॉड्यूल से या पास्ट ईयर आपकी प्रैक्टिस बनवाई, कुछ चीजें मॉड्यूल से कुछ पास्ट ईयर, या आपको पता चले किस लेवल की हमारी तैयारी है। आज ही बच्चे यही करने तो आ रहे, एक बच्ची ना कल पेपर देके गई है, उसको आगे बाहर जाना होगा, उसने पहले एडवांस में टेस्ट दे दिया, आज वाला टेस्ट कल दे दिया, शाम को दे दिया, चलो मैं 6:30 क्लास में ही था, बस मैं जस्ट बाहर निकला 2 मिनट में, तो देख लूं क्या करा है, मतलब ये समझो जी, बस वो रोई नहीं, हाल कुछ नहीं था, वो रोई नहीं, बस वो तो मैं थोड़ा सा रो पड़ता ना, वो तैयार थी, यू बोल देगी रोना है रोना है, आप उसको रूटीन मेंटली हैंडल करा, मैं कुछ नहीं था भाई सर, मैं तो ब्लैंक हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला पेपर में हमने डाला क्या, ये क्या है, मैं उसका कारण ये है, यही तो चीज यहाँ चक्कर बनी, यही चीज तो 11 जनवरी को जो पेपर में बैठेगी एसडी कॉलेज कहीं पे, तेरे सामने वही चीज सामने आएगी, तो ब्लैक नहीं हो, वही डर तो खत्म करने के लिए तो यहाँ बुलाया, शीट ही नहीं भर पाई सर, अंदर शीट पड़ी है देख लेना, तेरे उसको मैंने हौसला यही दिया कि पेपर हो जाता है, टफ हो गया होगा अब, बल्कि 8 तारीख के लक्ष्य हो फ्री हो रखे, 8 तारीख के वो फ्री हो रखे हैं, 24 तारीख को पेपर है आज, यू इमेजिन द डेट, 16 डेज दे हैव, 16 दिन, पहले हम 2 दिन देते थे, पूछ रहे ना अपने पिंजौर वालों से, 31 अगस्त को सिलेबस खत्म होता था, 1 सितंबर को मेरा बर्थडे है, 3 सितंबर को उनका पेपर, साथ के साथ 2 दिन बाद, अब तो हम 16 16 दिन बीच में दे रहे हैं, जैसे आपके थे 8 9 को सिलेबस हुआ, 12 को पेपर, हमें अजीब लगता है यार सुनने में, कि थोड़ा प्लानिंग से चलिए, अगली बार से और ध्यान दिया जाए, जब पता है अटेम्प्ट इतने करीब आ जाती है, दिन भी बीच में खराब होते हैं, तो प्लानिंग से चलिए। अब ऐसे इनको दे रखा, अब आप इनका जो अभी दोस्त पढ़ रहे हैं मई वाले, इनको कह दिया कोशिश है 15 फेब, कोशिश है पहले कर दे, क्योंकि 15 दिन फेब के मिल जाएंगे, मार्च का पूरा महीना,
अप्रैल का पूरा महीना, मई के भी 11-12 मई को रिलेशन होती है, पक्की होगी, कितने दिन दे रहे हैं, जबकि हमारे टेस्ट 18 पेपर हैं, 45 दिन में निपट जाते हैं हमारे, 36 45 50 दिन में, 45 दिन मान लो, 70 दिन में से 25 दिन फिर फालतू देने हैं, 45 अलग से, बच्चा पढ़े उस बच्चे का नुकसान ना हो जो पढ़ने वाला, जिसने नहीं पढ़ना अभी भी नहीं पढ़ना, उसके लिए तो क्या ही है, बट वो टेस्ट इसलिए था तो डरे ना, वो तो हकी बक्की से होश उड़ जाए, क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं सर, समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ तो नॉर्मल रहा है, कारण तूने टेस्ट कभी दिया नहीं, पहली बार दिया है, होता है, झटका लगता है, और मैंने टाइप करवा दिया टेस्ट, इनको फोन याद हो जाता है, जैसे फाउंडेशन से कॉपी फोटो खींच के डालते हैं, इनको याद होता है, अच्छा ही वही है, इसमें ये करना है, इसमें 10,000 फिगर आएगी, पक्का ही वही है, अब बात चेंज कर दिया, वो कहती साला आंसर ही निकल रहा कोई, मैं निकलेगा कैसे, तू यहाँ करके आई है कि बैलेंस शीट 20 लाख से मिलनी है, नहीं मिलेगी 2 लाख से, तो बोलिए कैसे, एक गलती भी हुई, मैं कह क्वेश्चन में अमेलगामेशन आया था पेपर में, कहती मैं तो देखा ही नहीं, ये तो रहा, कहती मैं देख ही नहीं पाई, तो वो घबरा गई, वही चीज उसके साथ जब 3 बार यहाँ पेपर दे देगी, उसको क्लियर हो जाएगा, उसको नॉर्मल लगेगी चीज, जैसे आप पहली बार जो गाड़ी सीखते हैं, एक गाड़ी सीखते हैं, अलग अलग सीखते हैं, ये रोज 10 खा दो, ये रोज अलग चलाएंगे, आज भी मैं 2 कड़ी किसी और की कार नहीं चलाता, अलग कह था कि चाबी लो, एक ही तो बात है, गियर को चला लेंगे, और फिर भी नहीं, क्यों, फैमिलियर विद माई ओन कार, वही चीज यहाँ पे, जब मैं एक स्टेट से फैमिलियर हूँ, 3-3 बार उसकी प्रैक्टिस कर ली, गलतियां कर ली, अब गलती नहीं होगी, अभी भी हो जाए तो डिफरेंट चीज है, वरना होगी नहीं, और किसने मैं टेस्ट लिया आपकी, इतनी मेहनत करी आप भी, इतनी दूर से आए टेस्ट देने, बस इस चीज को थोड़ा सिंसेरिटी से, जब गाइडेंस मिल गई आपका काम बन गया, देन यार फ्री करो मौज मस्ती, जैसा आपका टाइम है करिए, हम फोन रोकने वाले आपको, बट पेपर तक रिजल्ट तक ईमानदारी, ये तो करनी पड़ेगी यार, अब इस प्रोफेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं, इतना तो करनी पड़ेगी, जब ईमानदारी होती है, शनिवार एतवार है पार्टी है, सैटरडे पार्टी है, पर सैटरडे पार्टी है, फिर वो आपको सैल सर वहां पे ऐसे मिलेंगे, आप देखे ना जो सैल सर ये बढ़ाता है, नहीं बहुत चक्कर है भाई, हमें बहुत प्राइवेसी में जाना पड़ता है पार्टी का, तो सारा चंडीगढ़ लोगों को लगता है सारा कोई ना कोई मिल जाता है, ये तो ढूंढ ढूंढ करके डांस कर रहा है, तो लग रहा है बॉबी देओल की तरह जमाल खेड़ू है, ये दिक्कत आ जाएगी, पर जब वर्क पे हैं तो अपनी लाइफ है, वही यहाँ पे बच्चन का बच्चन उल्टा हो जाता है, जब पढ़ने पे बैठे हैं काम पे बैठे हैं तो मेहनत करो, जब हो गए फ्री कौन पूछने वाला है, इन दिनों फ्री थे, घर वालों कभी कह दिया हो कोई काम कह दिया गलती से भी, बस अभी तो अभी हिमालय से वापिस आया साले, 4.5-5 महीने हो गए, बॉडी रेस्ट कर रही है, अभी तो रिलैक्स हो रहे हैं, देख रहे हैं इस समाज कैसा नीचेगा, 4.5-5 महीने मेहनत आम नहीं होती सर, मेहनत है, अब तो आप देख रहे हैं दुनियादारी की, अच्छा ये पंछी भी है, क्या बात है, टीवी पे ये भी आता है, क्या बात हो गई, सीरियसली जब फाइनल्स तक हम लोग पढ़ते थे ना सर, ये सब बंद हो जाता है, टीवी मोबाइल वगैरह सोचेंगे, कई बार ना मूवी देख रहे होते, घर वाले तो नॉर्मल बैठ गए, हम लोग ऐसे देख रहे होते थे वो में देख रहे होते, पीछे बैठे देख, मैं नहीं, उसका कारण सोच रहे, क्योंकि हमें ना क्लासेस लगाने की इतनी हैबिट पड़ गई थी, 10-10 12-12 घंटे लैपटॉप, हम उसमें सोचते थे अक्षय कुमार कोई कंसेप्ट समझा रहा, लिख ले भाई लिख ले, ये प्रभु अच्छा कन्या पर ऐसे करना है, ओके एक्सेप्शन इज देयर, कारण दिमाग ही ऐसा हो जाता, कोई देख के हैरान, जिंदगी तो ये है, उस दिन रिलैक्स होते, या संडे सारा दिन कपिल शर्मा शो खुला छोड़ देते हैं साले, सोनी पे पढ़ा नहीं जाता, ब्रेक लीजिए, जब नहीं पढ़ा जा रहा तो ब्रेक भी लीजिए, पर टारगेट शुड बी कंप्लीट, जब तक तो टारगेट कंप्लीट ना यार मुझे नहीं मजा आता, मैं अपना उतारने से काम पेंडिंग पड़ा है, अच्छा ही लगता, इस टाइम मार्केट में के अपने एथिक्स हैं, आप इसी को फॉलो करेंगे आने वाले टाइम में, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसका मैंने 1 रुपया भी देना हो, ये मुझे अपने आप में एक बहुत बड़ी फीलिंग देती है, चीज आप अगर जाए नहीं है किसी का भी 1 रुपया नहीं देना, सर कोई कह दे सर सर से 1 रुपया लेना, कोई नहीं, बोले एडवांस चल रहे हो डिफरेंट बात, ये अपने आप में एक रिस्पेक्टफुल चीज है, वो ना टेंशन लेके लोग घूमते रहते हैं अपने शौक के चक्कर में, उसको उससे पैसे देने हैं उसके देने हैं, ये देते क्यों नहीं, हमेशा अपनी लाइबिलिटी क्लियर रखी और अपने काम के प्रति जिम्मेवार, अब घर पे थे कहीं और दिक्कत थी साथ के साथ पहुंचे, मैं नहीं क्लास तो है ही आज की रखी हुई है, अब इसके बाद मैं टेस्ट में ड्यूटी देनी है, फिर शाम को ड्यूटी देनी है, 6:30-7 बजे यही, जबकि आज अभी अष्टमी का घर पे व्रत भी है, चक्रे वगैरह भी है, वो कर लेंगे घर वाले, अपना काम ये है, मेरा व्रत ये है, अब लोग कहें जी मैं वहां जाके घूम भी जाऊँ सारा दिन, नहीं अपना काम के प्रति सही है, कल फिर क्लासेस है, संडे आना है तो ब्रेक लीजिए जरूर लीजिए, आप भी लीजिए, बट टारगेट शुड बी कंप्लीट, टारगेट में जहां कमी रही
तभी इस बैच को लेके हम इतना सीरियस क्यों चलते हैं कि मैंने कौन सा खुली सीटें ऑर्डर किए हैं, आ जाओ जैसी आ जाओ, है ही नहीं सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। या यू आर 40 to 41 रजिस्टर्ड हैं, 5-10 और आ जाएंगे, 51 पे तो वैसे ही क्लोज कर देना है, उसके बाद जो आएंगे लाइव। और अभी स्टार्ट विद द 4th of November, आपको बोल दिया, एवरी मटीरियल इज कंप्लीट विद अस, सारा मटीरियल रेडी है, बस इन दिनों थोड़ा रिलैक्स मोड पे चल रहे हैं। आप भी आ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज कई बातें दिमाग में और गई और सीखी, और अपने नियर डियर वंस को जरूर शेयर कीजिए। होता क्या है, आप बाद में ना आपको कोई दोस्त मित्र मिल जाता है जो कहता है यार मैंने भी लगना है। अब मेरे एंड पे क्या होता है कि सीट हो चुकी कवर, मैं तो पेरेंट्स को साथ दिखाता हूँ डायरी जिसमें आपके नाम लिखे हुए हैं, मैं कहा आप चेक कर लो ये सीटें फुल है, आप बता लो, कोई कम होती है तो बता देना, बढ़ती है तो मैं भी बढ़ा देता हूँ। तो मैं नाम लिख के तभी रजिस्टर भर रहा हूँ कि बच्चे रजिस्टर्ड है, इवन तो आउटसाइडर भी हैं, कोई इनसाइड भी हैं, सबके नाम उसके अंदर है। बाद में ना फिर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपके होते हैं कोई दोस्त मित्र इधर उधर आजू बाजू पढ़ने वाले, तो मैंने आपको अब तक कोई स्टेटस शेयर करने को नहीं कहा, आप आराम से उनको अपनी वीडियोस ओपन क्यों डाल रहे हैं, आप शेयर करिए, जिसने देखना है देखें, समझाएं, क्योंकि हमारे से ज्यादा बेटर एड आप हैं जिसने हमें देखा है, उनको तो समझाना पड़ेगा, आपको पता है जैसे आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको पता होता है, समझाना नहीं पड़ता, जाते हैं खाते हैं पैसे देते हैं खत्म, फिर पूछते हैं क्या है कैसे चलाना है क्या है, यूज टू है, सेम हमें पता ही हमारा पैटर्न क्या है, आपके दोस्त मित्र पढ़ रहे हैं, हाँ भाई ऐसा चला है हमारा सिलेबस ऐसा हुआ है, उनको भी बाय बैक कराया था और आपको भी, मैं कहता हूँ आप बाय बैक खोल के देख लेना पुरानी वाला, वहां का लेक्चर सुन लेना और आज का सुन लेना, आपको गैर फर्क है, और साल में 3 बार बाय बैक बढ़ा दिया, 3 बार बाय बैक आ गया, जनवरी वालों को बढ़ाया 25 वालों को, मई 25 वालों को बढ़ाया, सितंबर 25 वालों को बढ़ा रहा, अब तो 3 3 बैच हो गए तो करना पड़ता है, 3 बार बाय बैक का, तीनों लेक्चर सुन लेना तीनों लगे, कारण सोच के तो बढ़ाते ही नहीं, आज उसके बैठे थे अंशुल बैठा अंदर, मैं क्वेश्चन बैठ देंगे कितना नहीं बढ़ा, जो चीज समझ आई उतना ही बहुत है, और जितना हो जाए, अब अगली क्लास की गारंटी रहेगी सारे क्वेश्चन आपके सारे गारंटी रहेगी, कितने क्वेश्चन है 6, 4 अनसोल्ड, 2 ये कवर मिलेंगे, बट लॉ अपना ध्यान से 11 से सीखते रहिए और पीडीएफ के ऊपर लिखते रहिए, वैसे चैप्टर आपको दोबारा भी मिलेगा, ये चैप्टर आपको दोबारा भी मिलेगा प्रॉपर फाइल में, अभी तो डेमो वाली फाइल एक तैयार करी है तो आपको ऐसे दे दिया, वरना प्रॉपर बुकलेट का पार्ट बन के चैप्टर दोबारा भी आएगा, बट आप अभी सुन लेंगे थोड़ा सा, और उसमें लिखा करो ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपको लॉ ऑफिसर की प्रैक्टिस पता है, लिखा करो, समझा करो, पूछा करो, सर ये केस में अगर ये हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाए तो क्या होगा, इससे ना 4 बच्चों का दिमाग और खुलता है, अच्छा ये डाउट भी था, ये डाउट भी था, ये भी हो सकता था, कई चीजें सीखने को मिलती, क्लियर। तो अभी आपका लॉ की क्लास है, नेक्स्ट क्लास वी हैव टू कंप्लीट अवर चैप्टर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स को डाउट जी, अकुल फटाफट चैट बॉक्स में भेजिए, बच्चे अनुभव ने ओके लिख के भेजिए, भावना, हर्षिता, नंदनी, पल्लवी, राधिका, कोई डाउट है तो बताइए बच्चे जल्दी फटाफट एवरीवन। ओके जी ठीक है बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।